अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द PMCC और मैं हूं आपका होस्ट एंड कास्टर डीमन, बट मेरे साथ रहेंगे बहुत ही मशहूर जमाना पोर्टल भाई। पोर्टल भाई, आज जो PMCC का मैच रहने वाला है, नो डाउट वी नो दैट कि ये यूनिवर्सिटी कराची की सबसे होनहार यूनिवर्सिटियों में से एक रहने वाली है, क्योंकि पबजी की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा मतलब कि भी जो हमें टीम्स देखने को मिली, जो जोश देखने को मिला वो इस यूनिवर्सिटी से देखने को मिला। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। और ऑब्वियसली जिस तरह से हम लोग जो है पहले भी PMCC के इस कैंपस से यहाँ पे फिनाले जो रहने वाले उनको विटनेस करते करके आ चुके हैं, इनफैक्ट सेम एक्सपेक्टेशंस आज के दिन से भी रहने वाली हैं। और यकीनन जिस तरह से ऑलरेडी आपने अपनी तारीफें भी कर दी है प्लेयर्स की, टीम्स की, यहाँ पे एक अच्छा इनका नाम रह जाता है। प्लेयर्स समा थोड़ा सा ज्यादा सीरियस शायद कह सकते हैं आप, खेलते हुए दिखाई देते हैं यूनिवर्सिटी के, ज्यादा पबजी मोबाइल साइड पे रहने वाले हैं। सो इन चीज सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यकीनन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। एंड नाउ कि हमारे जो आगे आने वाले 3 मैचेस अब लाइव रहने वाले हैं उनमें हमें जब धमाकेदार एक्शन देखने को मिले। एग्जैक्टली, और आगे चलते चलते मतलब कि भी हम और भी बहुत सारी बातें करते हैं, बट प्राइस पूल की बात करेंगे, स्पेशली हमारे पास जो डिजिट 4G रहने वाला है इसकी भी बात करेंगे कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइस पूल की जाने बढ़ेंगे, और प्राइस पूल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी 40 लाख रुपए का टोटल प्राइस पूल रहने वाला है ग्रैंड फाइनल का। और उसके बाद अगर बात की जाए तो टीम नंबर 1 पे आने वाली है दोस्तों उसको मिलेंगे 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज, सेकंड आने वाली टीम को यहाँ पर 7 लाख 50 हजार रुपए, उसके बाद थर्ड पे आने वाली टीम को 4 लाख, उसके बाद चौथे नंबर पे आने वाली टीम को 2 लाख, देन फिफ्थ टू टेन यहाँ पर 1 लाख 25 हजार, और फिर 15 से 16 50 हजार टोटल। एग्जैक्टली, एंड इवन मूविंग ऑनवर्ड टॉप रैंकर्स की अगर बात कर लीजिए तो इवन साथ ही साथ जहां पे जो प्राइस पूल डिवीजन है वो विनिंग टीम्स के लिए रहने वाली है, वो टॉप 16 टीम्स जो फाइनलिस्ट होंगे उनके लिए रहने वाली, वहीं पर टॉप रैंकर ऑफ द टूर्नामेंट नंबर 1 फ्रैगर हमें 70,000 पाकिस्तान रुपीस लेके जाता हुआ दिखाई देगा, टॉप फ्रैगर नंबर 2 35,000 पाकिस्तान रुपए लेके जाएगा, एंड देन इवन टॉप फ्रैगर नंबर 3 एज वेल वो भी 20,000 रुपया कम से कम जो अपने उस एफर्ट के लिए जरूर लेके जाने वाला है। सो ये जो 40 लाख रुपए की डिवीजन है वो इनफैक्ट काफी ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर रहने वाली है, और सभी को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि आपने जो हिस्सा डाला, आपने जो यहाँ पे एफर्ट किया उसमें से एट द एंड आपको कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे मिल जाए। लेकिन इनफैक्ट जहाँ पे प्राइस पूल की बात की जा चुकी है वहीं पर हमारा आज के दिन का स्केड्यूल है और हमारा जो पॉइंट स्ट्रक्चर है वो भी चीजें जरूर अहम रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आएगा पॉइंट स्ट्रक्चर दोनों में से, और अगर उसकी बात की जाए तो फिलहाल सेम वही पॉइंट स्ट्रक्चर जो कि हमें पहले भी देखने को मिलता है। एग्जैक्टली, हमें तो ये याद हो चुका है, बट यहाँ पर अगर बात की जाए हमारे न्यू लेजेंड्स की जो आगे बन के अब नो डाउट यहाँ से PMCC से उठ के यहाँ से जोश मतलब कि वलवला जो है वो आगे बढ़ाते हुए हमें इन फ्यूचर PMPL एंड उससे बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर भी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर रूट से ग्रास रूट से टीम्स उठ रही हैं उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि पॉइंट स्ट्रक्चर क्या रहने वाला। तो ये सिर्फ उनके लिए रहने वाला था कि चिकन के 15 पॉइंट्स, और इसी के साथ अगर बात कीजिए डिक्रीज होता रहता है हर प्लेसमेंट के बाद, बट अगर किल आप करते हैं तो किल का 1 पॉइंट रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर था इसको आपने जरूर याद रखना है, बट उससे आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते आपको इतना बता दूं कि डिजिट 4G है सीन, ये भी आगे हम आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली, और इवन जहाँ पे हम जो बात कर ही रहे हमारे इस सारे के सारे जो पॉइंट स्ट्रक्चर की, फिलहाल पहले तो उसी के हम लोग ये थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं जस्ट आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए कि ऑल द वे हम जो है वो जो कल इवन जो परसों से एक्शन इवन मैं खुद जो स्टार्ट जो है वो डीमी के साथ कवर किए सारे जो ग्रैंड फिनाले को देखना, कैंपस फिनाले को देखना, वहीं पर एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जहाँ पे सेकंड ईयर के पॉइंट्स हम देख रहे हैं टीम के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, वहीं पर जो नंबर सेकंड के पॉइंट्स है ये भी हमें बहुत ज्यादा वैल्यू एड करते हुए दिखाई दिए, बिकॉज एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि बेशक आप जो विनर सेकंड ईयर मिस करते हैं लेकिन जो डिफरेंस है वो नंबर 1 नंबर 2 के दरमियान प्लेसमेंट का कुछ खास रहता नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट्स का आपका डिफरेंस है। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने चीज लाजमी यहाँ पर जो करने, अगर आप एक एग्रेसिव स्क्वाड है, अगर आप समझो एक ऐसा स्क्वाड बन जाते हैं जो कि एक बैलेंस गेम प्ले में करता हुआ दिखाई देता है तो देन डेफिनेटली आप भी हो सकता है कि चिकन डिनर करने वाली टीम से मे भी ऊपर ही एट दिन आ जाए। लेकिन जहां पर जो इन सारी चीजों की बात की जा चुकी वहीं पर फाइनली हमें आज के दिन के एक्शन की तरफ जरूर बढ़ना पड़ेगा, और हमारा पहला जो मैच है हमारा जो एक्शन है इनफैक्ट कुछ ही देर के अंदर हम यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, उसकी तरफ बढ़ देंगे, और मेरे ख्याल से पहला मैच रेंगल का होने वाला पोर्टल, और उसमें टीम्स का मोस्टली वो एक करता है ना कि भी प्रैक्टिस ग्राउंड भी होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हमारे स्पेशली जो स्टार्टअप्स जिन्होंने भी लिया है। मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टअप जब लिया पबजी का तो रेंगल इज लाइक माई फेवरेट, मैं रेंगल अभी तक मैं रेंगल बहुत ज्यादा खेलता हूँ। बट अगर पोर्टल की बात की जाए पोर्टल का भी यही स्टार्टअप हुआ कि यार नहीं अरेंगल ही खेलते हैं, उसके बाद जो मतलब पबजी ने नए फीचर्स अपने लॉन्च करना स्टार्ट किए हैं, कुछ यहाँ पर अरीना खेलना पसंद करते हैं, कुछ यहाँ पर 8v8 खेलना पसंद करते हैं, मतलब कि पबजी के अंदर थ्रू आउट बहुत सारे मतलब कि भी आप पार्ट्स बन चुके हैं। पहले तो सिर्फ मुझे याद है एक ही मैप हुआ करता था, सिर्फ वही खेलने को मिलता था, उसके बाद मीरामार इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जो है विकेंडी सैनोक, या आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजें बढ़ती रही, और अब जहाँ पर अगर बात कीजिए एक नया फीचर भी आ चुका है
अगर आप आपको पता चल गया होगा कि यार वो क्या रहने वाला, मतलब कि आपको एक वो डेथ सिस्टम वहां पर चलना चलने लग पड़ा कि आपने प्रॉपर एक सीन लेके चलना है। बट बिल्कुल लेट्स मूव टुवर्ड दी मैस कैजुअल। मैस कैजुअल आपकी स्क्रीन पे रहेगा पोर्टल। जी हाँ बिल्कुल। और मैच कैजुअल हम लोग जरूर यहाँ पर जो देखना चाहेंगे बिफोर द मैच, बिकॉज कुछ ही देर के अंदर हमारा जो मैच नंबर वन इम्पैक्ट स्टार्ट होने वाला है, और जहाँ पर हम जो हमारे याद कितनी स्केजुअल की बात करेंगे, वहां पर पहला मैच हमारा रहेगा इरेंगल, सेकंड मैच विल बी सैनॉग, थर्ड विल बी मिरामार एज ऑलवेज। सो इट्स वही सेम स्केजुअल रहने वाला है जो कि हम पहले भी पहले जो हमारे कैंपस फिनाले उनमें देख चुके हैं, बाकी जो है वो टीम्स के लिए बाकी कैंपसेस के लिए। सो कुछ चेंजेस नहीं है, आपको सिंपली यही करना है कि आपको इस पैटर्न को फॉलो करते करते अपने लिए जो मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने, टुवर्ड्स एंड जो भी ज्यादा पॉइंट्स निकालेगा, जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर जो हमें लेके जाता हुआ दिखाई देगा, वो टीम कहलाएगी विनर ऑफ द कैंपस। और कैंपस फिनाले को विन करने वाली टीम को क्या मिलेगा एट द एंड, क्या अपन करेंगे इस स्टेज से, दैट इज एक्चुअली द स्लॉट ऑफ सेमीफिनाल सेमी सेमीफाइनल। सेमीफाइनल्स में आपको जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप सेमीफाइनल स्टेज पे जो फर्दर बाकी टीम के अगेंस्ट प्रोसीड करेंगे, उनके अगेंस्ट खेलेंगे, एंड देन सोन आप ऑब्वियसली जो ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाएंगे, जो कि रिमेम्बर दैट कि PMCC 2022 इस दफा का जो फिनाले है वो कोई आम फिनाले नहीं रहने वाला, घर से बैठ के टीम्स नहीं प्ले करेंगे, बल्कि आपको इस साल का जो PMCC ग्रैंड फिनाले है वो एक ऑफलाइन इवेंट देखने को मिलेगा, वो एक लैन इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर हम जब बहुत देर से हम लोग जब इस चीज के लिए तड़पते रहे, तरसते रहे कि हमें जब हमें भी लैन इवेंट्स देखने को मिले, हमें अच्छे इवेंट जो पाकिस्तान में देखने को मिले। सो फाइनली फाइनली हमें जब PMCC इस दफा का जो लैन इवेंट होता हुआ दिखाई देगा, और यकीनन हमें जब यहाँ पर इंतजार भी रहेगा उस स्टेज का कि वो कब कब आती है, लेकिन उससे पहले फिलहाल हमें आज के इस मैचेस इन मैचेस का इंतजार है। पहले बारे पहले जो मैच रहने वाला है इरेंगल का, उसका इंतजार है, और इरेंगल का मैच फाइनली अब जरूर हमारे सामने यहाँ पे हमें जब आता हुआ दिखाई देगा, एंड वी विल सी दैट कि इरेंगल के इस मैच के अंदर किस तरह से टीम्स ऑल द वे हमें जब फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग जब पहले लैंड करते हुए दिखाई देती है, एंड देन उसके बाद इवन जो ड्रॉप क्लैशेस है वो क्या यहाँ पे रहने वाले, अगर रहने वाले तो किस तरह से रहने वाले, अगर नहीं रहने वाले तो टीम्स क्या यहाँ पे अग्रेसिव स्टाइल अपनाती है, यहाँ पर हमें जो बिल्कुल जोन के साथ साथ सर्कल में जाते हुए दिखाई देगी। सो फ्लाइट पाथ ऑल द वे अपनी मंजिल को जरूर हमें यहाँ पर जो मंजिल की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल टीम्स की अगर बात कर लीजिए तो ऑल द वे टीम नंबर 6 हमारे सामने जरूर आ जाएगी, जहाँ पर DT नॉट योर गुजर SE ये वो तीन यहाँ पर सम अप कह सकते हैं कैटेगरीज है, तीन यहाँ पर टैग जिसके साथ प्लेयर हमें प्ले करते हुए दिखाई देंगे, नॉट योर गुजर, SE बशीर, SE केंगोपी एंड देन DT राहिल, ये वो प्लेयर्स हैं। सो इनफैक्ट टैग से ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है कि प्लेयर्स यकीनन कुछ ना कुछ इनका यहाँ पे पबजी में जो इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज जो टैग्स वगैरह अक्सर आपको प्लेयर देखने को मिलते हैं या तो उनके क्लैंस रह जाते हैं या फिर उनका जो समाव अगर क्लैंस नहीं है तो उन्होंने कोई ना कोई लाइनअप ज्वाइन किया होता है और वो आपको स्क्रम्स में जो प्ले करते हुए दिखाई दे रहे थे। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग जस्ट गेसिंग कि शायद ये स्क्वाड भी हमें उसी कड़ी का एक स्क्वाड जो देखने को मिलने वाला है, लेकिन दूसरे पे टीम है पीरो, ओके गुड नेम बाय द वे, प्रो को यहाँ पे पीरो उन्होंने यहाँ पे नाम रखा है, पीरो शियान में दो बैक टू बैक नॉकआउट्स निकालते हुए दिखाई दे, लेकिन जहां पर उन्होंने दो नॉकआउट्स बैक टू बैक निकाले अपने लिए वहां पर उनको उनको भी इनफैक्ट बेदर्दी से नॉकआउट किया जाता है, पिस्टल से ही उनको नॉक कर दिया जाता है, इवन खानसा गाड़ी के नीचे देख के हमें प्लेयर को जो वो भी नॉक करते हुए दिखाई देंगे, एंड साथ ही साथ एस उमरू फर्स्ट करके पीरो शयान को स्मार्ट से एलिमिनेट भी कर जाएंगे, वो प्लेयर जिसने दो प्लेयर नॉकआउट किए उसको एट द एंड बड़ी ही बड़े जालिमाने तरीके से स्मार्ट से एलिमिनेट किया था। बिल्कुल। और अभी जो इनिशियल स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं उसमें मोस्टली हम यही देखने को मिल रहा होता है कि यार के टीम्स जो है वो लूट अप में जा रही हैं, लूट करना चाह रही हैं, चीजें उठा के आगे बढ़ते हुए हमें नजर आएंगी, बट इन स्टार्ट फेज हमें जो क्लैशेस देखने को मिलते हैं किसी टीम को फायदा हो जाता है, किसी टीम को नुकसान हो जाता है। जैसे कि एक बात की इस टीम को अभी तक कोई सीन नहीं देखने को मिल रहा, बट दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक पानी में टीम रहने वाली है, अभी सिर्फ अगर बात की जाए मैच को सिर्फ 3 मिनट हुए हैं गुजरे हुए और स्टिल यहाँ पर टीम्स जो है वो पानी के अंदर घूमते हुए नजर आ रही है। दूसरे नंबर की बात की जाए प्लेयर्स अभी भी फाइट के अंदर एंगेज रहते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी इनके क्लोज में एक दो टीमें जरूर रहती हैं पोर्टल जो कि आराम सुकून से आगे फाइट करते हुए नजर आएंगी, बट जीजीज फॉर दोस्त जो कि अभी आते ही जिनके हाथ में किल्स आ चुकी हैं, आते ही उनके पास कुछ किल पॉइंट आ चुके हैं। जी हाँ, और इनफैक्ट यहाँ पर जो अर्ली ऑन आपको जो किल्स मिलते हैं यकीनन आपके लिए बहुत ज्यादा वाइटल रह जाते हैं, इन द टाइम टू कम यकीनन चीज आपके लिए जो है वो काउंट डाउन काउंट भी करेगी कि किस टीम के पास यहाँ पर जो मैच का मोमेंटम रहने वाला है, लेकिन जस्ट लुक एट इन वेरी अर्ली स्टेजेस, बहुत अर्ली स्टेजेस है, और आप यहाँ पर जब आप बहुत रोटेशन करते हुए टीमों को देख रहे हैं जिसके दौरान जो बाकी टीम पानी में रहने वाली है उनको जरूर नॉकआउट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो टीमें एक ही पॉट में रहने वाली है, उनको नहीं उनको लग रहा था कि शायद वो स्मार्ट वे में यहाँ पर जो इस बॉट को चला के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन देन उसके बाद उनके साथ बैठे हुए यहाँ पर जो एक खतरनाक खिलाड़ी हमें जरूर जब आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, देन उनकी तरफ से जहाँ पर जब आगे बढ़ाया जाएगा वहीं पर स्टिल सर्च कर रहे हैं, स्टिल हंड डाउन करना चाह रहे हैं नीचे रहने वाले प्लेयर को, बट लेट्स सी क्या यहाँ पर ये जो प्लेयर है जो पानी के अंदर जा चुके हैं वेजेटा ये पानी की सतह से ऊपर सतह पर आएंगे, अगर सतह पर आते हैं तो क्या इनका हमें छोड़ा जाएगा यहाँ पर, बिकॉज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली यही है
जिस तरह से इनको स्पॉट किया गया, यहाँ तो 15-12 के बैक एंड पर रहने वाले प्लेयर्स इस प्ले को किल करेंगे, यहाँ पे खुद ही लिख देंगे, इनफैक्ट खुद ही ये किल लेना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली किल्स जो है यहाँ पर खुद ही अपने बैकपैक में रखना चाह रहे हैं। अभी ऑलरेडी अगर बात कीजिए पोर्टल, दो किल्स इनके पास रहने वाले हैं, इनका भी एक प्लेयर यहाँ पे नॉक होकर फिनिश हो जाएगा, मतलब नॉट जस्ट नॉक, जब एकदम से फिनिश कर दिया जाएगा उस प्लेयर को भी। बट दूसरे पे बात की जाए यहाँ पर फाइनली बाकी जो दो प्लेयर्स रहने वाले हैं वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अगर यहाँ से निकला नहीं जाता इनको भी यहाँ पर नॉक्स पड़ सकते हैं, इनको भी यहाँ पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक प्लेयर अगर बात की जाए, एक प्लेयर अभी भी जो कि नॉक रहने वाला है उसका किल अभी कंफर्म नहीं हुआ, तीन किल्स ऑलरेडी इनके बैकपैक में रहने वाले हैं। पर दूसरे प्लेयर की बात की जाए टीम 20 जिनके आसपास इर्द गिर्द कोई भी नहीं रहने वाला, बट यहाँ पर लूट का सिलसिला जारी रहने वाला है। बिकॉज इन वेरी इनिशियल स्टेज हम मतलब कि सारों को यही सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टअप में आप बिल्कुल सारी चीजों को अवॉइड करके लूट पे फोकस करें, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी लूट होगी तो ही आप सामने रहने वाली टीम को एक अच्छा टफ टाइम दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा आर्मर सूट रहने वाला है, एक अच्छा मतलब आपके पास बैकपैक रहने वाला है, आपके पास गन का एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एमो रहने वाला है, तो मतलब मेरे ख्याल से उसके बाद ही आप किसी से फाइट ले सकते हैं, स्पेशली विदाउट स्कोप। मतलब कि आपको लॉन्ग रेंज तो कुछ दिखेगा ही नहीं, यू नीड एटलीस्ट स्कोप। जी हाँ, और बिल्कुल जहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं हमारे जब टीम्स की, वहीं पर हमें टीम नंबर 10 जरूर देखने को मिल जाएगी, डीबी ऑर्कस आई थिंक का नाम लेने वाले, 70 निंजा, देन शानजे एज वेल। लेकिन कंपैरेटिव साइड का हमें जो नाम वो देखने को मिल रहा है, 70 निंजा भी जस्ट लाइक मैंने पहले भी स्टार्ट में टीम को मेंशन किया, जिससे उनके टैग दिखाई दे रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है जब प्लेयर्स के टैग्स आपको दिखाई देते हैं तो किसी ना किसी टीम के साथ जरूर प्ले कर रहे हैं। तो 70 निंजा भी हम गेसिंग कि शायद ये भी कोई ना कोई किसी ना किसी क्लैन के साथ हमें जो कंपैरेटिव में भी प्ले करते हुए दिखाई देते, शायद क्लास क्लान यहाँ पर रहने वाला है। सो इस टीम से भी यकीन हमारी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि जब इस तरह के प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं तो उनका जो बाकी प्लेयर्स के मुकाबले बाद उस लॉबी का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ज्यादा रह जाता है, उनको गेम सेंस ज्यादा रहती है, उनकी जो गेम नॉलेज है तो ज्यादा रहती है, रोटेशन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, उन चीजों सभी में आप उनको यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा अच्छा प्ले करके जाएंगे। लेकिन मूविंग ऑनवर्ड वन बाय वन बाकी टीम से भी जाएंगे, जहाँ पर टीम नंबर 15 भी हमारे सामने रह जाएगी, और सारे के सारे डिफरेंट यहाँ पर जब भी हमें प्लेयर जरूर जो है टैक्स रहते हुए दिखाई देंगे, डिफरेंट हमें यहाँ पर जो टीम बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन इसमें आपने क्या करना है टीम को, सेम जस्ट लाइक अदर दैट इज आपको अपने लिए जस्ट पॉइंट निकाले, एंड प्लेयर्स फिलहाल हमें जस्ट सर्किल की तरफ आई बिलीव जाते हुए दिखाई देते, लेकिन फिलहाल वो रुक जाएंगे क्योंकि अभी जब कुछ ना कुछ शायद लूट जो फर्दर उनको करना है। बिल्कुल लूट उनको फर्दर करना भी है। टीम 7 जिस तरह ओपन एरिया के अंदर वो बेताज बादशाह की तरह मूव करते हुए जा रहे हैं, कोई भी मतलब कि ये गलती कभी भी नहीं करेगा, व्हीकल्स के ऊपर जरूर उनकी फोकस रहेगा कि यहाँ पर ऐसे मतलब कि भी ऐसे ड्रॉप स्पॉट हम चूज करें जिसके इर्द गिर्द दो से तीन गाड़ियां तो लाजमी होती हैं। मतलब कि भी मोस्टली अगर बात की जाए, दो तीन प्रोफेशनल टीम से मेरी बात हुई कि यार अबाउट रोटेशन ना, तो दीज गाइज टोल्ड मी कि हारिस भाई मोस्टली हमारा फोकस ये होता है कि ऐसी जगह का ड्रॉप अपना ड्रॉप बनाए जहाँ के इर्द गिर्द व्हीकल्स का होना लाजमी है। अगर वहां पर व्हीकल्स नहीं है तो इट्स मीन कि हमारे मतलब कि वहां पर उतरना कोई मतलब फायदेमंद नहीं होगा, कि हम वहां पर उतर के लूट तो कर लेंगे बट हमारी रोटेशन जो है वो माइनस में चली जाएगी। बट अगर बात जब प्लेयर जोन का डैमेज देते हो, ये टीम हमें अभी भी नजर आ रही है पोर्टल। जी हाँ, लेकिन 7 टीम में 7 वंस उनकी तरफ हम लोग जरूर यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हैकर और व्हाट हमें जरूर देखने को मिल जाते हैं। लेट्स सी ही इज ही हैकर और व्हाट क्या यहाँ पे कहते हैं वो, लेकिन कह रहे हैं द कैलफील्ड हमें प्लेयर जरूर यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाई देंगे, नॉकआउट किया जाएगा, क्योंकि हमें एक्शन यहाँ पर जरूर चलता हुआ दिखाई देंगे। दूसरे एंड थ्रोबिल का इस्तेमाल भी होना स्टार्ट हो चुका है, ग्रेनेड किया जाएगा टीम नंबर 18 की तरफ से, एंड ओशन विल बी दैट गाइस जो कि इनफैक्ट हमें नेट थ्रो करते हुए दिखाई देंगे, अनफॉर्चूनेट नेट को डैमेज, बट दूसरे एंड थ्रो है जो इनके टीम में रहने वाले वो भी कह रहे हैं जरूर यहाँ पर जो इनके टीम में इनफैक्ट यहाँ पर नॉकआउट करते हुए दिखाई देंगे। थॉटर्स के प्रो वेनम इनके प्लेयर रहेंगे, लेकिन एक्चुअली इनके प्लेयर को प्रो वेनम यहाँ पर नॉक कर जाएंगे, लेकिन दूसरे डिजाइन में फर्दर एक्शन मजीद चलेगा और भी प्लेयर आगे अंदर घुसते हुए नजर आएंगे। टीम नंबर 20 वर्सेस टीम नंबर 18 ये फाइट है, मजीद यहाँ पर जो शायद प्रोलॉन्ग ना फर्दर यहाँ पर नॉक निकालने की कोशिश की जा रही है, एंड देन ऑल द वे हमारे पास यहाँ पर जो बैक टू बैक हमें नॉक होते हुए दिखाई देंगे। ये वो वंस अगेन द फायर प्लेयर एक और किल कंफर्म करते हुए टीम नंबर 18 Finally, अपने लिए यहाँ पर जब नंबर्स एडवांटेज आने वाले हैं। बिल्कुल पोर्टल, ये चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे और जो है अग्रेसिव मूड जो है टीम्स के ऑन होंगे, जैसे ही सर्कल यहाँ पर टाइनी होता जाएगा, जैसे श्रिंक होता जाएगा, ये चीजें तब हमें अंदाजा होगा कि कौन सी टीम लास्ट तक स्टैंड करते हुए हमें देखेगी। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर टीम्स की बात की जाए, टीम्स मोस्टली किल्स के ऊपर भी फोकस कर रही है, यहाँ पर तीन किल्स इस टीम के पास भी रहने वाले हैं, चौथा किल इनके पास आई डोंट नो वे क्यों नहीं है, मे भी थोड़ी देर के अंदर चौथा प्लेयर भी इनके आसपास ही घूमता हुआ नजर आए, उसके भी किल कंफर्मेशन मिल जाए इनको। बट टीम 7 जो कि अभी तक आउट ऑफ द ओपन, आप देख सकते हैं कि एक ओपन एरिया के अंदर रोटेट करते नजर आ रही, बट दीज गाइस हैव बगी। एंड दूसरे पे एक और चीज है कि प्ले जोन का डैमेज बहुत ज्यादा कैरी करें, जबकि अगर बात कीजिए कल के मैचेस के अंदर भी पोर्टल हमने बात की थी कि आपने
एटलीस्ट एग्रेसिव खेलना है क्योंकि तीन ही मैचेस रहने वाले हैं, बट आउट ऑफ द ओपन यहाँ पर एक प्लेयर मतलब पकड़ा भी जाता तो उसको यहाँ पे नोक भी बढ़ जाएगा, उसको मेरे ख्याल से फिनिश भी किल भी कंफर्मेशन भी पोर्टल के पास चली जाएगी। टीम सिक्स वर्सेस टीम एटीन यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के मध्य मुकाबले, देखते हैं कि कौन सा प्लेयर यहाँ पर भी विन लेके जाता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी कैजुअलिटी हमें देखने को नहीं मिली आउट ऑफ दी मतलब ये कह सकता हूँ कि ओपनिंग भी नहीं निकली, ओपनिंग निकली की तो टीम जो है मे बी चार्ज करती हुई हमें दिखे। एग्जैक्टली एंड जस्ट जहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे थे ओपनिंग की वहीं पे फाइनली द किलफील्ड ओपनिंग निकलते हुए दिखाया देगा स्ट्रेटवे टीम में 14 डायरेक्ट में स्लैम एंड बी कर जाएगी, प्लेयर को उधर बगी लेके आते हैं, बगी रोकी जाएगी, मजीद उनसे भी जाएगा जाएगा प्लेयर लेफ्ट शॉट उनके बिल्कुल यहाँ पे नॉकआउट रहने वाले हैं, राइट शॉट के ऊपर भी के टीममेट्स हमें सेक्शन को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे, ऑलरेडी के लिए हमें कंफर्म किया जा चुका है, फर्दर रुका जाता है जो प्लेयर नॉकआउट रहने वाले हैं किल कंफर्म किया जाएगा फाइनली दे यू गो फिर उनके मेंबर जाएंगे स्टेज पे जाया जाएगा, कल कंफर्म किया जाएगा टीम 14 फाइनली अपने लिए सेकंड किल के में दुनिया पे कंफर्म करते हुए दिखाई देंगे, जस्ट लाइक दिस दिस इज अ टीम में अपना जहां पर एडवांटेज मेंटेन कर रही है, जैसे अपने यहां पर नंबर्स का एडवांटेज इनफैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, अगर इस तरह से आगे और चलते हैं तो और भी ज्यादा यहां पर किल्स इनके नाम आ सकते हैं, खासतौर पर इनफैक्ट इस टीम के अगेंस्ट जिनके हम ऑलरेडी दो प्लेयर्स मैच से एलिमिनेट कर दिए जा चुके हैं, ऑन द साइड टीम नंबर 10 Shanze, 7 Ninja and once again Octopus is squad here. Trio in fact is marked in the first name where we मौजूद रहने वाले हैं, थोड़ा सा थिंग यहाँ पर पानी के साइड पर पानी के जो edges हैं जहाँ पे उतरे थे उसी साइड पर भी मौजूद हैं, सो ज्यादा आगे नहीं बढ़ा गया, still they are holding the spot because that बिल्कुल साथ road यहाँ पर लग जाता है, teams rotate करती हैं at times और even circle का भी इनको edge मिलना, circle के impact का भी advantage अभी तक के लिए मिलना, ये भी team के लिए यकीनन यहाँ पर चीज helpful रह सकती है in the time to come, but let's see, let's wait for it because पहला circle finally हमें जरूर यहाँ पर जब shift लेके जाता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल पोर्टल अभी तक ये चीजें देखने को नहीं मिल भी नहीं रही, उस तरह अग्रेसिव चीज देखने को भी नहीं मिली अभी तक, टोटल टीम्स भी यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ पर अभी तक अच्छा है, मतलब अभी तक टीम्स जो है प्रॉपर एलिमिनेट नहीं होते हुए नजर आई, अभी तक यहाँ पर भी कंपटीशन जारी रहेगा, सेकंड फेज ऑफ द जोन थर्ड की तरफ मूव करता हुआ हमें दिख रहा भी है और इसके बाद फोर्थ के अंदर हमें पता चलेगा टीम किस तरह आगे बढ़ते हुए फाइट की तरफ जाएंगी, उसके बाद ये सर्कल की सर्कल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा थ्रू द पॉइंट, उसके बाद ही कोई अच्छा सीन हमें देखने को मिलने वाला बोल। एग्जैक्टली, लेकिन जस्ट लुक एट दिस ब्रिज साइड, के जैसे ही हम इस ब्रिज साइड पे आते हैं वो जो यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं गेट कीपिंग वो जरूर यहाँ पे मोड़ते हुए दिखाई देगी, टीम नंबर 11 की तरफ से जहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं वो होल्ड कर रहे हैं स्पॉट को, जैसे कि टीम इस साइड से आगे बढ़े है जैसे कि टीम बैक साइड से इस एरिया पे आने की कोशिश करें, उनको जरूर यहाँ पर जो नॉकआउट किया जाए, दे यू गो वंस अगेन, जैसे प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश की करते हैं उनको जरूर यहाँ पर जो शॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं, बट एनी टर्न इनके भी शॉट्स आएंगे, प्लेयर यहाँ पर नॉकआउट कर दिया जाएगा, ऑलरेडी एक टीम इसमें आपसे एलिमिनेट करवा चुके हैं, दो प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले उसामा ही विल बी देयर एज वेल रेस्क्यू करना था टीम में, बट टीम में फोर्थ डायरेक्टली हमें जरूर यहाँ पर जब जाते हुए दिखाई देगा, हम तो विल बी दैट गाइस, बट इनफैक्ट आई बिलीव हमें जरूर यहाँ पर जब आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे ही वो आगे जाएंगे देन फर्दर जरूर यहाँ पर जो फाइट वो भी छिड़ जाएगी, फाइट जरूर यहाँ पर जो मजीद होते हुए भी दिखाई देगी, एंड यू गो फाइनली वो रुक जाएंगे, फाइनली वो यहाँ पर हमें जब रुक रुक के लेट्स सी क्या करेंगे, फाइनली नेक्स्ट जो कनेक्ट करते हैं यहाँ पर नेबर जहाँ पे नीड कर रहे थे वहां पे इनफैक्ट वो रहने नहीं वाले थे, जो को जैसे वो नीड कर रहे थे फाइनली उनके साथ हमजा ये फाइट में रहते हुए दिखाई नीड भी चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पाक तो बैग नॉक्स नीड्स के साथ नॉक कुछ भी अभी तक रिजर्व खुद को जाबर करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी जो सारे के सारे प्लेयर ऑलरेडी इसमें काफी डेडिकेटेड है, काफी देर के अंदर सिचुएशन जो है आगे तो हमें इसी तरह से दिखाई दे रही है हालात, तो बिल्कुल यहाँ पे वो जिस तरह से यहाँ पे स्मार्ट का जिस तरह से लॉबी हमें बट
टीम्स रोटेशंस का होना, कुछ फाइट्स का चलते रहना, और इवन एक्सपेक्टेशंस इस लॉबी से वो यकीन अभी तक बहुत बेहतरीन हमें यहाँ पर जो चीजें होती हुई दिखाई दिया, एक्सपेक्टेड दो टीम्स ने बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो इस मैच के अंदर प्ले किया है, दे जस्ट हैव बीन प्लेइंग गोइंग अमेजिंग दो कि उनकी तरफ से यहाँ पर जो किसी भी तरह से हमें जो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं सेट बैक हमें जो यहाँ पर नहीं किया जाता, हमें यहाँ पर मायूस नहीं किया जाता कि हम उनकी तरफ से यहाँ पर जो मायूस नहीं, बट फर्दर इन द टाइम टू कम अभी भी रोटेशन अभी भी यहाँ पर जो टीम्स का एक सिलसिला रहने वाला है इस मैच का वो फर्दर उनका टेस्ट जरूर रहेगा। वुड लव टू सी कि मजीद यहाँ पर टीम्स है वो किस तरह से इस मैच में हमें जो वो मजीद और भी जो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, फिलहाल कुछ और भी सिलसिले जरूर यहाँ पर चल रहे हैं, कुछ फाइट जरूर चल तो दिखाई दे रही कुछ यहाँ पर जब हमें फर्दर जो इवन जरूर तब दिखाई दे रहा है, बट जस्ट वेटिंग फॉर इट कि थिंग्स जस्ट वो आखिरी वो जो मोमेंट्स है वो जो यहाँ पर हमारा जो कुछ हमें सनसनी के लम्हात है वहां तक हमें चीजें जो जरूर जाते हुए दिखाई दे, बिकॉज वंस अगेन जस्ट द स्टेज के कैंपस में नाले पर आप जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका एक एक कल आपकी टीम के लिए जरूर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके जाए, एंड विद द टाइम वी आर सीइंग कि प्लेयर्स बैक टू बैक इनफैक्ट जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बेशक यहाँ पर जब हमें 60 समथिंग प्लेयर्स देखने को मिले बट स्टिल दे आर मैनेजिंग दिस थिंग कि वो टाइम के साथ साथ हमें जरूर जो यहाँ पर किल्स भी निकालते हुए दिखाई दे, अच्छा यहाँ पर जब एक वे में मैच जरूर जो है आगे बढ़ाया जाता है टीमों की तरफ से, एंड टुवर्ड्स द एंड अगेन वन विनर और बाकी सबको फिर भी यहाँ पर जो सेकेंड स्पॉट टू ऑनवर्ड ही रहना पड़ेगा आपको, जस्ट यहाँ पर जब अपने आप को जब बाकी स्पॉट पे सेटल करना पड़ेगा, स्टिल जस्ट वेटिंग फॉर इट, वी आर जस्ट होपिंग फॉर द थिंग्स टू जस्ट बी लाइक दिस कि सभी टीमें इनफैक्ट यहाँ पे बेहतर से बेहतरीन की हमें खेलते हुए दिखाई दे, बिकॉज एट द एंड बेशक यहाँ पर जो चिकन रेक करेगा लेकिन जैसे पहले भी इस मैच से बात की गई कि आप बेशक यहाँ पे एक टीम विन करेगी लेकिन स्टिल टुवर्ड्स इन जो नंबर सेकंड स्पॉट है उसकी प्लेसमेंट कम नहीं है, 12 और 15 सिर्फ ये जो स्कोर है 3 पॉइंट्स का सिर्फ यहाँ फर्क रह जाता है, और अगर आप इनफैक्ट यहाँ पर जो अपने लिए वो जो पॉइंट्स है वो 12 भी निकाल जाते हैं प्लेसमेंट के, और अपने लिए जो कल्स है वो आप यहाँ पर जो कुछ ज्यादा अपने उससे यहाँ पर जो प्लेसमेंट के साथ मैनेज कर जाते हो देन हो सकता है कि आपके जो पॉइंट्स है वो विन करने वाली टीम से भी शायद हमें यहाँ पर जो ज्यादा जाते हुए दिखाई दे, सो पॉइंट्स का आपने बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पर जितने ज्यादा हो सकते हैं आपकी जो स्ट्रेंथ है आपने अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना, अगर आपकी स्ट्रेंथ प्लेसमेंट पॉइंट्स है डेफिनेटली ट्राई टू गो विद इट, लेकिन स्टिल एट द एंड क्योंकि लॉबी हमारी ऐसी है हमें यहाँ पर जो टीम्स पहले भी विन करते हुए दिखाई देती रही क्योंकि पास स्किल्स थे तभी वो आप विन करके गई, अदरवाइज ओनली प्लेसमेंट के बलबूते पर कोई भी टीम्स हमें यहाँ पर खास तौर पर जो आगे जाते हुए नहीं दिखाई दिए, सो आपको एक बैलेंस यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी खुद अपने लिए जरूर अपनाना ही पड़ेगी, आपको somehow चीजों को इस तरह से जरूर यहाँ पर जब मैनेज करना ही पड़ेगा, एंड टॉकिंग अबाउट द टीम्स इन फैक्ट स्टिल 12 टीमें मौजूद 32 प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले, टीम नंबर 6 दे आर स्टिल इन द इनसाइड सर्कल, 17 मिनट हमारे इस मैच को भी हो चुके हैं, प्लेयर्स फर्दर भी हमें जब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर्कल भी हमारा ऑलरेडी हमें शिफ्ट लेके जाता हुआ दिखाई देगा, सर्कल हमें शिफ्ट लेके जा रहा है वहीं वहां पर, इनफैक्ट अभी तक के लिए हमें टीम जरूर देखने को मिल रही थी, सारे प्लेयर्स इनफैक्ट यहाँ पर मौजूद हो गया आपको अपने होल्ड करके रखना है, सिर्फ अपने आप को जो यहाँ पर बचा के रखना है, चीजें आपके लिए ऑब्वियसली जरूर यहाँ पर जो बेहतर भी हो जाएंगी, सो जस्ट टॉक अबाउट अ सर्कल वंस अगेन, सर्कल जैसा हमें पहले देखने को मिला, सर्कल फिलहाल जो शिफ्ट यहाँ पे लेके जा रहे हैं सर्कल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर्कल ऑब्वियसली देखते हुए भी चीजें ऐसी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि यकीनन हमें इस सर्कल के ऊपर एक प्रॉपर एक अच्छा एक्शन है वो टीम्स का जरूर देखने को मिले, बिकॉज रिजेस यहाँ पे इस एरिया में रहने वाली है, यहाँ पर जो आपको टीम्स है वो स्लैमिंग देते हुए दिखाई देगी, लेकिन जो टीम्स ऑलरेडी मौजूद रहेगी वो जरूर जाए उस टीम को फिर उन टीम को जरूर हमें जब फिर पनिश करते हुए दिखा देंगे, उनको जरूर यहाँ पर जो फिर मौका नहीं दिया जाएगा वो किसी भी तरह से जो फर्दर आगे जा सके, बट बैक द एक्शन वंस अगेन, फिर से कुछ फाइट्स होकर रुक चुकी है, फिर से हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, प्लेयर्स वंस अगेन यहाँ पर जरूर दूसरे हंड्रेड करते हुए दिखाएंगे, नंबर 13 के प्लेयर विद द फायर नॉक करने की कोशिश करेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली फायर हमें कनेक्ट नहीं होता हुआ दिखाएंगे, नंबर 7 के प्लेयर पास रहने वाला लेकिन यहाँ पर किया जाता है,
नंबर 13 के पिक इधर स्मोक, ताकि खुद को बचा सके, खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। इनफैक्ट फिलहाल के लिए प्लेयर इस चीज में अच्छे तरीके से कामयाब भी होता हुआ दिखाई, बट नंबर 13 के प्लेयर जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे फर्दर बेशक अभी इनकी टीम में देख लेकिन बिल्कुल सामने बिल्कुल सीध में नंबर 14 इनफैक्ट आई बिलीव इज अ स्क्वाड जो रहने वाला है। यू गो इन रिटर्न वी हैक और व्हाट का फायर आएगा शीज को नॉक आउट करके। नंबर 7 इनफैक्ट इज द टीम जो कि मैं यहां पर नॉक आउट निकालते हुए, नंबर 21 स्टिल वो भी यहां पे मौजूद रहने वाला है। ट्रायंगुलर फाइट हमें जरूर यहां पे चलते हुए दिखाई देगी इन तीन टीमों के दरमियान, लेकिन नंबर 21 फिलहाल वो यहाँ पर नंबर 9 के साथ ज्यादा अच्छी फाइट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नंबर 7, बिकॉज टीम नंबर 7 फिलहाल उन दोनों टीमों से दूर रह जाएगा इन द किल फीड। नेक्स्ट इनफैक्ट हमें वहां पर जो एक चिल अपने लिए जरूर यहां पे कंफर्म करते हुए दिखाई देंगे। टॉक अबाउट नंबर 7 दो जहां इनको रोटेट करना, वहीं पर टीम का सिर्फ एक प्लेयर हमें यहां पर रिमेनिंग दिखाई देगा। एग्जैक्टली और नाउ दिस इज द फिफ्थ सर्कल, सर्कल का अगर बात की जाए यहाँ पर भी डैमेज काफी ज्यादा होने वाला पोर्टल। हर टीम को यही चाहिए कि इस टाइम के ऊपर ज्यादा उतना फोकस रखे कि सर्कल के अंदर जाके फाइट करनी, बट लुक एट दिस अभी भी अगर बात की जाए प्लेयर्स जो है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किल्स पे किल्स निकाली जाए, बट दूसरे पर बात कीजिए यहाँ पर क्लोज किया जाता है, यहाँ पर ऑलरेडी टीम बेस बना के बैठी हुई, यहाँ पर क्लोज किया जाएगा। अनदर वन, वन इज डाउन, अनदर डाउन, एक एक करके दोनों को यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया जाएगा पोर्टल। नाउ बात लेट सी कि आगे क्या चीजें बनती होने जाती है, तीन किल्स इनके पास भी आ चुके हैं, आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस और भी मुश्किलात हमें देखने को मिल सकती है। अभी भी हमारे पास नौ टीमें 21 रिमेनिंग प्लेयर यहाँ पर रहने वाले हैं और जो के काफी डेडली साबित हो सकते हैं किसी के लिए भी, बट आउट ऑफ द सर्कल, आउट ऑफ द सर्कल हमें प्लेयर्स जो है अब वन बाय वन नॉक फिनिश कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो है अपनी रोटेशन के ऊपर उस तरह काम नहीं किया कि वो जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर जाके अपने लिए एक अच्छी प्लेस को होल्ड कर सके। अगर वो कर लेते तो इस तरह प्ले जोन के अंदर अपनी बल्कि भी अपने प्लेयर की जान ना गवा रहे होते। एग्जैक्टली, बट डॉक्यूमेंट नंबर 6 फिलहाल टीम नंबर 6 में ऐसा स्क्वाड में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं मैच के स्टार्ट से लेकर फिलहाल जब थोड़ी देर पहले भी इनके बारे में बात की जा रही थी, जब ये सर्कल का एज होल्ड करते हुए दिखाई दिए। आई जस्ट मेंशन दिस थिंग कि ये टीम जिस तरह से हमें जब प्ले करते हुए दिखाई, जिस तरह से इन्होंने होल्ड किया अभी तक बचा के रखा, चारों के साथ इंपैक्ट बहुत अच्छा खेला अभी तक टीम नंबर 6 ने, सिवाय सीज के इनके पास किल्स नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने दो किल्स भी निकाल रखे, अभी भी उम्मीद जिंदा है। चिकन डिनर अगर आप निकाल जाते हैं कम से कम आप यहाँ पर जो 17 पॉइंट से लेकर ही जाएंगे, चिकन डिनर इनफैक्ट अभी भी इनके पास 8 पॉइंट कम से कम यहाँ पर रहने वाले, लेकिन फर्दर भी पॉइंट लेके जाना चाहिए, इनफैक्ट इनको अगर लेके जाने भी चाहिए बिकॉज कुछ ही टीम्स यहाँ पर रहने वाले जिनके पास चार प्लेयर्स मौजूद हैं, बट इन द किल बट वंस अगेन शानजे विद द फायर डीबी के ऑफिस को मैं जरूर यहाँ पर नॉक करते हुए दिखाई दे जाएंगी। इनफैक्ट ये हमें शानजे वर्सेस शानजे टीम में फाइट होते हुए दिखाई देगी, शानजे इज फ्रॉम अनदर टीम है जो शानजे जिनके टीममेट ऑगस्ट को नॉकआउट किया जाता है वो इनफैक्ट यहाँ पे एक अलग शानदार रहने वाले हैं। सो दो शानदार में जरूर स्मैच करने देखने को मिल रही है, बट लेट्स सी कौन से शानदार वाली टीम हम यहाँ पर जो मैच को अच्छे तरीके से ज्यादा प्ले करते हुए दिखाई देंगे। डबल शानदार इनफैक्ट से यहाँ पर हो जाता है, बिकॉज आई जस्ट एक्सपेक्टिंग शायद एक ही शानदार में रहने वाले, लेकिन दो शानदार यहाँ पर जो हो जाते हैं जहां तक मुझे अंदाजा पड़ता है, यहाँ पर एक जो है वो बबलू शांजे, दी वन रियल सेम आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग। एग्जैक्टली, और दूसरे पर का बात कीजिए नॉट योर गुज्जर, मतलब कि भी एक होता है ना नॉट योर बॉय, बट यहाँ पर नॉट योर गुज्जर, बिल्कुल यहाँ पर वो अपनी भैंसों का दूध आपको उसके साथ नहीं शेयर करने वाले। बट दूसरी बात अगर बात की जाए तो गुज्जर साहब अभी तक घास का मतलब प्रॉपर नमी चेक कर रहे हैं कि ज्यादा नमी तो नहीं आ गई, प्रॉपर ग्रीन के चेक कर रहे हैं कि क्या सीन रहने वाला। बट ग्रेनेड्स की अगर बात कीजिए, ग्रेनेड्स यहाँ पे थ्रो किए जाते हैं, बट उसके बाद अगर राहिल की बात करो, राहिल भी इस टाइम इसी कंडीशन के अंदर है, एक ओपन सर्फेस उनके पास रहने वाला, छोटा सा रिज रहने वाला है, अगर खड़े होंगे आराम सुकून से इनकी जो लोकेशन है वो रिवील हो जानी है पोर्टल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं चाह रहा होगा कि उसकी आउट ऑफ द ओपन यहाँ पर लोकेशन रिवील हो, जहाँ पर उसके पास कोई भी छोटा मोटा कवर भी नहीं रहने वाला, वो उठ के लेफ्ट टू राइट भी नहीं जा सकता, जस्ट ही कैन स्प्रे, और वो स्प्रे जो है एक प्लेयर को अगर नॉक डाउन कर भी दे तो दूसरा प्लेयर उसको इजीली टेक डाउन कर लेगा। Exactly, total 5 teams are remaining now, 12 players match mein reh jayenge, team SE, not your good, DT Rahil, once again inke paas, fir se main ye cheez bolunga, abhi bhi advantage hai, abhi bhi team ke paas yahan pe mauka rehne wala hai, because inke bilkul madhye mein kamal team mein 14 jo ke isi, हमें जो लाइन में डायरेक्शन में सामने की तरफ दिखाई दे रही है, आई थिंक वो सिर्फ एक ही तरीके से इस मौके में रहने वाले, नॉट योर गुज्जर अभी भी हमें प्रॉन रहने वाले हैं, दरक इन्होंने यहाँ पे कवर लेके रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके आगे जाना चाह रहे 32 meter 31 मीटर बस अगले जाना पड़ेगा, बट फाइनली डीडी राहिल विद द फायर रिवेंज जो कि आरवीएनजी के यहाँ पे प्लेयर्स आखिरी पे स्टैंड करते हैं, फाइनली उनके शॉट्स कनेक्ट करवाते हैं, उनको भी जरूर इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एक प्रॉपर स्क्वाड इस मैच से जैसे जाएगा, अब मजीद हम पॉइंट्स टीम के भी जरूर हम इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। अब जहाँ पे टीम पहले 8 पॉइंट्स कम से कम लेकर जाएंगे, यहाँ पे इनके पॉइंट्स मजीद बढ़ जाएंगे, देयर यू गो, इवन I4ATX साइको इस मैच से एलिमिनेट किया जाएगा, वंस अगेन बैक टू बैक किल्स राहिल के खाते में जाते हुए दिखाई देंगे, राहिल फिर से स्टैंड करेंगे, बड़े जब इनका शॉट्स आएंगे, एचपी काफी लो हो जाती है,
बिल्कुल सामने अभी हमें शानदार का स्क्वाड आने वाला नहीं है। दूसरी एंड के ऊपर हमें एक और स्क्वाड दिखाई देगा जिनके पास चारों प्लेयर हमें स्टैंड करें, बट डीटी राहिल अनफॉर्चुनेटली जोन के बाहर रह जाएंगे, ज्यादा कोई डिस्टेंस था नहीं लेकिन प्रेशर था टीममेट्स का, जो प्रेशर था ओपोनेंट्स के, इनफैक्ट यहाँ पर वो इनको जरूर यहाँ पर हमें जब हर्ट करता हुआ दिखाई देते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर जरूर यहाँ पर जो जोन के बाहर ही नॉक हो जाएगा लेकिन नॉट गुड, स्टिल ही इज प्रोन, तो काफी जैसे हम इनके यहाँ पर प्रोन गेम करते हुए दिखाई देगा, अच्छी स्ट्रेटजी इनफैक्ट यहाँ पर रहने वाले, बिकॉज आप खुद को अगर उठा के आगे लेके जाते हैं तो देन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको जो नुकसान है वो जरूर इसका यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। बट सो फार अभी तक के लिए हम यहाँ पे जरूर जब अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं, टीम भी इनफैक्ट नॉट ए गुड इन द किल पिट विद द नेड, फाइनली उस्मान को नॉक भी कर जाएंगे, इवन शाम से ऑन द साइड उस्मान भाई को भी इस मैच से वो एलिमिनेट कर देंगे। बिल्कुल यहाँ पर भी एक एक करके प्लेयर्स जो है अब अपने अपने नए मैच की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, बट लेट्स सी कि कौन सा प्लेयर लास्ट तक यहाँ पर स्टैंड करेगा। वी नो दैट शानजे हैव ए गुड स्पॉट, और यहाँ पर अगर बात की शानजे के एडीएस के अंदर जो भी प्लेयर आएगा उसके पास एक अच्छा व्यू रहने वाला है, उनके पास एक अच्छा सर्कल पॉइंट रहने वाला है, एक हाई ग्राउंड भी रहेगा पोर्टल जहां से वो एक एक को टारगेट करके टेक डाउन कर सकती हैं। बट हे यू गो, एक एक करके दो गज उनके पास बैक पैक पे आ चुके हैं भाई। हम कहते हैं मैन ऑफ द मैच, बट आज क्या बोलेंगे, बट लेट्स सी द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ही हम आज बोलने वाले हैं कि वो शान से रहने वाले। Exactly. And once again, just look at this. आपने भी most valuable player का जो बोला ही था, और finally with the shots, शांति confirming it. तो वो यहाँ पे चीज को जरूर हमें assure करवाते हुए दिखाई देंगे। And team हमारे यहाँ पर जो शांति ऑकस और के साथ साथ इनके यहाँ पे एक और player रहने वाले थे, वो in fact seven Indians I think was it name, वो अभी जरूर smart का winner second year करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ पे इस team में winner second year निकाला, I believe इनके 11 something kills भी रहने वाले हैं। So totally इस मैच के कम से कम 25 पॉइंट्स तो कंफर्म है टीम देखेगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या 26 27 कितने पॉइंट्स लेके गए वो हमें मैच रैंकिंग के अंदर कुछ ही देर के अंदर इनफैक्ट पता लग जाएगा। एग्जैक्टली कुछ ही देर के अंदर यहां पे हमारे पास मैच रैंकिंग भी आ जाएगी, और नो डाउट अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ दिस टीम, मतलब कि भी जिस तरह उन्होंने खेला, जिस तरह उन्होंने रोटेट किया सर्कल के अंदर, कहां पर उनके लिए प्लस पॉइंट बन सकता था उन्होंने उस एरिया को पहले से पहले जाकर होल्ड किया। ये सबसे अच्छे प्लेयर्स की ये निशानी होती है, अगर आपके पास मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपके कैंपस में कोई भी ऐसा प्लेयर है जो भी आप आगे आने वाले इवेंट्स हमारे जो रह चुके हैं उनकी अगर बात की जाए पोर्टल, तो मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी के उस लड़के को आपको दोस्त बना लेना चाहिए, क्योंकि अपनी टीम में रखेंगे, अपने कैंपस में अपनी टीम के उसको रख लेंगे तो मेरे ख्याल से एक विनिंग चांस अच्छा हो सकता है। और शानजे आई थिंक शी नो वी नो दैट के ये वो प्लेयर रहने वाले जो कम्पेटिटिव में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आती हैं, और इस मैच के अंदर भी एक अच्छी गेम प्ले निकालते हुए नजर आएंगी। बट जीजीज फॉर दोज जो कि आज पहले दिन के अंदर भी परफॉर्म कर रहे हैं, और जो जिस पहले मैच के अंदर जिन्होंने परफॉर्म कर लिया वो अगले मैच के अंदर एक उनके पास प्लस पॉइंट रहेगा, बट दूसरी टीमों को काफी अग्रेसिव होना पड़ेगा। बट रैंकिंग पोर्टल हमारे सामने जी हाँ, और मैच की अगर बात कर लीजिए तो इनफैक्ट टीम रैंडम के नाम से रजिस्टर यहाँ पे किया जाता है शानजे स्क्वाड को, और शानजे का स्क्वाड टीम रैंडम हमें इस मैच के अंदर 28 पॉइंट्स लेके जाता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पे विनर विनर चिकन के 15 पॉइंट्स हैं, 13 इनके पास स्किल्स आते हैं, 11 प्लस की बात हुई थी यहाँ पे, 13 किल्स इनफैक्ट रह जाएंगे। शाका ई स्पोर्ट्स नंबर 2 करेंगे विद 17 पॉइंट्स, 11 का डिफरेंस है, 2-3 का होता हम जरूर उसको मेंशन कर देते थे कि कम डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे इनफैक्ट ठीक ठाक डिफरेंस रह जाएगा। सो टीम शानजे स्टिल एट रैंडम इनफैक्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन जाते हुए 89 नंबर थर्ड पे देंगे विद 16 पॉइंट्स, नंबर 4 टीम 141 विद 13, देन 5 पे BES का स्क्वाड विद 8 पॉइंट्स, 6 पे टीम RPX विद 6, देन टीम XE स्पोर्ट्स विद 4 एंड देन EMT स्पोर्ट्स विद 4 पॉइंट्स एज वेल। सो 28 से 4 तक का सफर इनफैक्ट आपको 1 से सिर्फ 8 प्लेसमेंट तक ही देखने को मिल रहा है। सो ये जो यहाँ पे हालात है वो काफी ज्यादा इनफैक्ट यहाँ पे टॉप 8 टीम्स में खराब हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टिल टीम रैंडम इनफैक्ट जो इनके पास पॉइंट्स इनके पास लीड आ चुकी है वो श्योरली से दस रैंक बहुत बेहतरीन पोजीशन, एक बहुत बेहतरीन चांस इनका बन चुका है कि आगे वाले मैचेस के अंदर इनफैक्ट 15 समथिंग पॉइंट्स आई थिंक और एवरेज भी निकाले तो शायद आपको यहां पर विन करते हुए दिखाई दे। बिल्कुल पोर्टल, और यहाँ पर अगले मैच का जहाँ पर हम अगले मैच का पोर्टल इंतजार करेंगे, वहां पर आप भी अपनी ऑडियंस के लिए भी एक चीज बताते चलें कि आप यहाँ पर डिजिट 4G को विन कर सकते हैं कैसे। आप सिंपली चैट के अंदर #gamenow #PMCC और अपना करेक्टर आईडी शेयर करें, और मे बी वो लकी पर्सन आप हो सकते हैं। नो डाउट यहाँ पर हमारी अगर स्ट्रीम की बात कीजिए काफी सारे प्लेटफॉर्म से चल रही है, तो ऑल दी वे हर प्लेटफॉर्म पे मतलब कि प्रॉपर यहाँ पर भी चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। बट अगर बात कीजिए टैग्स की, आप जल्दी से जाकर लिखें #gamenow, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ #gamenow #PMCC और अपनी जो पबजी मोबाइल की करेक्टर आई डी आपने वो स्पैम करनी है, मे बी यू आर दी लकी वन। बट अगर डिजिट 4G की बात कीजिए, दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग फोन, वेरी हैंडी एंड वेरी मतलब स्लीक सा फोन रहने वाला है, टच प्लस टाइप। If you are the person जिसको मतलब कि टच भी चाहिए और टाइप फोन भी चाहिए, तो मतलब कि मेरे ख्याल से दिस इज एक्चुअली द गुड फोन, क्योंकि टच एंड टाइप प्लस 2.4 की LCD रहने वाली है, एक एक सॉफ्ट रिस्पॉन्स ऑफ कीज, मतलब कि ये सबसे अच्छी चीज रहने वाली है इस फोन की। और
उससे ज्यादा अच्छी चीज क्या रहने वाली, जो सबसे ज्यादा चीज बंदा यूज करता है सोशलाइजेशन, मतलब आपके अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं पोर्टल, ये चीज ज्यादा अच्छी एक्सप्लेन करें बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज इस चीज का पोर्टल का रहता है। बिल्कुल, इनफैक्ट सोशल मीडिया की हम लोग बात करें तो यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, आप इनफैक्ट जो जो तकरीबन आप ऐप्स यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, इनफैक्ट सामने हमारे फोन रहने वाला है, सो आप लोग जरूर जब इसमें यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा भी कुछ आई थिंक आप और भी अगर एक्स्ट्रा ऐप कुछ करना चाहते हैं और आप इसके प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आप वहां से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो चिपसेट है, इसका यहाँ पर जो कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, जहाँ फीचर्स की ऑलरेडी कुछ बात की है, वहीं पर मीडियाटेक का चिपसेट रह जाता है। आप इसमें यहाँ पर जो एंड्रॉइड 8 ओरियो जो एंड्रॉइड है वो इनफैक्ट आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, ताकि आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें आप लोग यहाँ पर एक स्मूथ यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो देखने को मिल जाए। सो 1 GB, 8 GB, बहुत सारे फीचर्स इनफैक्ट इस फोन के अंदर रह जाते हैं। और आप लोग अगर इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हैं इस गिवअवे से हटके, तब भी आप जाके जो जेएस की वेबसाइट से इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। बट फॉर द मैच नंबर 1, ऑब्वियसली मैच नंबर 1 का जो एक्शन था वो सिर्फ इतना ही था। एग्जैक्टली जिस तरह यहाँ पर भी इस फोन की बैटरी लंबी चलती है, बट हमारा ब्रेक छोटा सा चलेगा, एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद नए मैच की तरफ जाएंगे। नई जैस डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के, इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैस सुपर 4G। नई जैस डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के, इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैस सुपर 4G। नई जैस डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के, इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैस सुपर 4G। नई जैस डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के, इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैस सुपर 4G। नई जैस डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के, इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैस सुपर 4G। नई जैस डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के, इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैस सुपर 4G।
So, assalamu alaikum everyone, and once again, welcome back to the PUBG Mobile Campus Challenge 2022, जहां पर एक दफा फिर से आप लोगों को शामदीद कहेंगे हमारे कैंपस फिनाले में, जहां पर एक दफा फिर से एक दिन और एक और कैंपस जिसका कैंपस फिनाले में यहां पर जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैचेस की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमारे जो तीन मैचेस में से पहला मैच अभी इख्तिताम को पहुंच चुका है। इससे पहले मैच नंबर टू की तरफ हम लोग बड़े दिल से होस्ट कास्ट दिस टाइम अराउंड गेमिंग पोर्टल जॉइन बाय डीमन, कभी डीमन होस्ट कभी मैं यहां पे होस्ट, लेकिन चेंजिंग चलती रहेगी। एग्जैक्टली, यहां पर वो कहते हैं ना कि साथ साथ मिलके हम आगे इस सफर को बढ़ाएंगे। पीएमसीसी का सफर फिलहाल तो बड़े भी वो कहना बेबी स्टेप्स लेता हुआ नजर आ रहा है, बट ये बेबी स्टेप अभी आगे सेमीफाइनल बड़ा होगा, देन ग्रैंड फाइनल जो कि मतलब कि फुल दादाजी हम बन जाएंगे वहां पर, और उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी। वहां पर भी हम कह रहे हैं कि यार कि जितना हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस करके और अपने आप को प्लस करते हैं, क्योंकि आप काम करते रहेंगे, आपके लिए यहाँ पर भी अच्छी अच्छी बातें लेके आते रहेंगे, आपके लिए यहाँ पर टिप्स भी लेके आते रहेंगे कि यार आप अपने कम्पेटिटिव करियर किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट आप प्लेस की इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, इस तरह की चीज़ों की अगर बात की जाए, तो पोर्टल ऑलरेडी अपने अपने चैनल के ऊपर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बताते रहते हैं, बट पोर्टल मैच स्टार्ट हो गया। मैच की अगर बात की जाए, प्लेन पाथ, ओ भाई साहब, इतने ऐसी कंपस पे लेकिन पीएमसीसी में इस तरह का प्लेन पाथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और जहाँ पे हमारा जो मैच नंबर टू बरामार हमें जरूर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा, फ्लाइट पाथ ऑल द वे, हम यहाँ पर जो पोर्टो पे जो से वली दलमार जाता हुआ दिखाई देगा, लेडी लाइन फट जाता हुआ दिखाई देगा, टीम जरूर यहाँ पर जब फिर से दिखाई दे जाती है, अच्छा नंबर रहने वाला है। 16 टीम्स एंड 62 प्लेयर्स आर ऑलरेडी देयर, जो फ्लाइट पाथ ऑल द वे आप लोग बिल्कुल सामने था राइट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर जो मेन चीज़ है ये जो हमारे यहाँ पर जो स्पॉट्स रहने वाले उनकी अगर वन बाई वन बात कर ली जाए, पोर्टो पे जो कोई भी टीम नहीं जाती है, समा वाला के अच्छा एरिया रह जाता है। नॉन टीम्स में से आपको जो एक बड़ा नाम, एक बड़ी फैन फेवरेट टीम इनफैक्ट जो है वो जरूर यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे जाते हैं। दूसरे बिचू मसेरा पर यहाँ पर भी कोई टीम हमें जाते हुए नहीं दिखाई दे रही, मेनस दल वैली यहाँ पर भी कोई नहीं जाएगा, वैली दिलमार यहाँ पर शायद जाता हुआ कोई दिखाई देगा, बबलू को शायद कोई ना कोई फॉलो जरूर करता है, सो वहाँ पर जरूर हमें कोई टीम जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन ऑन द साइड फाइनली ऑन द मेन साइड इन द मेन फील्ड हम लोग जिक्र करेंगे टीम नंबर सिक्स का, जिसके एस ई बशीर हमारे सामने जरूर आ जाते हैं। नॉट योर गुजर इज ऑब्वियसली देयर एज वेल, प्लेयर्स हमें जरूर यहाँ पर जब लैंड करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जहाँ पे ये लैंड करे वहां पर जस्ट लुक एट दिस, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार बल्कि पांच स्क्वाड आई बिलीव उतरते हुए दिखाई देंगे, सारे के सारे स्क्वाड एक ही स्पॉट पे आ चुके हैं, एक ही जगह पे आ चुके हैं। व्हाट इज दिस जस्ट बिहेवियर आउट देयर। चलो हो सकता है कि हम कह सकते हैं दो टीमों को क्लैश हो जाएगा, तीन का चलो हो जाएगा, थर्ड पार्टी हो जाएगी, लेकिन जब पांच टीमें आ जाए इसका मतलब यही है चीजें बहुत खराब है। इनफैक्ट चीजों का मैं बोलूंगा यहाँ पर तहस नहस हो चुकी है चीजें, और ये हालात किसी भी तरह से यहाँ पर संभलने नहीं वाले। आपको एलिमिनेशन जरूर देखने को मिलने वाले टीम नंबर 18 है, उनकी ग्रे इनफैक्ट सबसे पहले हमारे सामने आएंगे, पी किया जाता है M164 ऑलरेडी उनका मिल चुकी है, सो लूट की भी जरूर यहाँ पर जब कमी रहने वाली है। एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस लाइक फाइव टीम्स ड्रॉपिंग एयर, सो इस चीज के हवाले से ऑब्वियसली आपको जरूर यहाँ पर अब यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी टीम के पास, लेकिन क्लोज एंड फाइट जरूर यहाँ पर ली जाएगी। ग्रे की तरफ से फायर आता है और हमें यहाँ पर जो इबाद नॉक होते हुए दिखाई देगी, क्या क्लोज यहाँ पर नॉक रहने वाला, मे बी बैकेंड साइड से नॉक किया गया, बिकॉज इनके बिल्कुल पास में तो इनके अपने ही टीमेट्स इंपैक्ट यहाँ पर रहने वाला है, शायद ही बाद यहाँ पर विंडो साइड पे गए थे, विंडो साइड पे जैसे ही वो जाते हैं उस साइड पे ऑलरेडी प्लेयर जो है मौजूद थे, वो इनफैक्ट शायद विंडो साइड पर नजर रख के बैठे हुए थे, और जैसे ही बात वहाँ पे स्पॉट किए जाते हैं, ये विंडो साइड पर प्लेयर एम करके बैठे थे उनको नॉक किया जाता है, बिकॉज अब कंफर्मेशन हो जाती है, क्योंकि सेकंड टीम पे टीमेट में जब जैसे वहाँ पर जाते हैं उनको भी जरूर यहाँ पर डैमेज देता है। बट डीबी बाबा वाईटी इनफैक्ट विद द विन 94 आई बिलीव इन द किल फील्ड में फिर से एक और पे नॉक करते हुए दिखा देंगे। वंस अगेन बैक टू द फाइट्स अगेन, फाइट्स इनफैक्ट रुक रहे ही नहीं यहाँ पे वाले, बिकॉज इस कदर स्क्वाड जो है कि आप यहाँ पर जो फाइट्स का सिलसिला थमता हुआ देखने को आपको मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, और दूसरे पर बात की है, रोटेशंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, बट व्हीकल अगर आप अपनी अपनी लेके चले तो अच्छी कहानी बनते हुए नजर आएगी, बट दूसरे पर पोर्टल जो यहाँ पर एक रश लग चुका है, मेरे ख्याल से टीम से ये डिसाइड किया होगा यार इधर तो कोई नहीं आने वाला, यहाँ पर ही उतरते हैं, बिकॉज अगर बात की जाए मोस्टली हमें सेंट मार्टिन भरा हुआ नजर आता है। यहाँ पर अगर बात की फ्यूरी यहाँ पे क्रिकेट इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, बट जब बात की जाए हॉट ड्रॉप्स की तो नो डाउट सैन मार्टिन इधर, यहाँ पर इम्पाला की बात की जाए, चमासरे की बात की जाए, तो ये वो एरियाज रहने वाले हैं जहाँ पर टीम्स मोस्टली एल्पोजो, ये वो एरियाज रहने वाले हैं जहाँ पर पोर्टल मोस्टली टीम जहाँ पर लैंड करते हुए नजर आती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी लूट मिल जाती है टीम को। बट इस तरह के छोटे छोटे एरिया, स्पेशली अगर बात की जाए ग्रेवयार्ड वाला एरिया, लाइक उस तरह के इसमें छोटे छोटे एरियाज जो रहने वाले हैं वहाँ पर टीम जो है मोस्टली नहीं जाती। बट यहाँ पर अगर बात की टीम एट छोटे छोटे कंपाउंड्स के पास से गुजरते हुए जा रही ताकि वो एक अच्छी लूट कर सके, मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा मैप से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर दूर जाके लूट करें। बट दूसरे पर बात की जाए यहाँ पर टीम
18 की जो यहाँ पर अभी तक फाइट है जारी रहने वाली है, क्लोज अभी तक किसी ने किया नहीं। कबूतर जान इनके साथ बिल्कुल साथ कंधे पे बैठे हैं ताकि वो भी देखते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जान गोली चला दे वो उसके कान में कुछ सुधर, वो कहते हैं कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई जान एक स्प्रे में दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉक डाउन हो जाएंगे और टीम 19 को जल्दी से जल्दी इस लायबिलिटी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर नेड अगर थ्रो किया जाए तो कहानी चेंज हो सकती है। बट आई डोंट थिंक सो कि इतने लॉन्ग रेंज से पोर्टल नेड आने वाला है, यहाँ पर कोई इस तरह का क्रिकेटर ही हो प्लेयर के मतलब भी गेम के अंदर जो इस तरह की थ्रो करे नेट अच्छी जगह जगह जाके जो एंगल एंगल पे गिरे। जी हाँ बिल्कुल, और फिलहाल हमें इस तरह की इतनी दूर डिस्टेंस पे तो ऑब्वियसली नेट नहीं जाता हुआ दिखाई देगा, एंड इसी असना में इनके जो सामने ओपोनेंट्स हैं उनको जरूर मौका मिल जाता है कि वो अपने टीम में ग्रैब दे जाएं। लेकिन वंस अगेन बैक टू द टीम्स, आपने भूलना नहीं है कि इस जगह पे टीम्स कितनी ज्यादा रहने वाली है हमारे पास, किस तरह से हमें यहाँ पर जस्ट मैप पर ड्रॉप क्लासेस देखने को मिले, इनफैक्ट एक जगह पर नहीं बल्कि दो से तीन स्पॉट्स पर हमें जब बहुत सारी टीमें देखने को मिल रही है। हालांकि मेरा मारे कितना बड़ा मैप रह जाता है, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें टीम्स है पोर्टो प्रेजो, हमें ऑल द वे चुमासेरा, डिफरेंट स्पॉट्स पर टीम्स है वो लैंड करते हुए दिखाई दे, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर ड्रॉप क्लासेस रह जाते हैं। ड्रॉप क्लासेस का नुकसान है वो तकरीबन हम यहाँ पे मेजोरिटी स्क्वाड्स को उठाना पड़ेगा, बट जीरो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें जब काफी कम एचपी पे दिखाई देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर रिस्की जो चीज रहने वाली है दैट बी फॉर रिवेंज, जिनके लिए रिवेंज डेवल के लिए इनफैक्ट जहाँ पे इनकी एचपी उनसे भी ज्यादा कम रह जाती है, सबसे कम इसमें एचपी इनफैक्ट यहाँ पर डेवल की देगी, देन इबाद की एचपी है, उसके बाद फ्यूरी, देन उसके बाद जीरो, एंड शायद इनके पास कोई फर्स्ट एड नहीं है बिकॉज स्टार्टिंग में बात की गई थी कि प्लेयर्स के पास मे बी यहाँ पर लूट भी ना हो सके। देखिए को विद द फायर फ्यूरी वंस अगेन फायर करेंगे, ऑप्शन को स्मार्ट से एलिमिनेट किया जाएगा, यूट्यूब रिजर्व विद द फायर एज वेल, इनफैक्ट रिवेंज को भी वो नॉकआउट करेंगे बिकॉज रिवेंज की जो एचपी थी वो काफी दो तीन अंदेशा यही था कि वो नॉक किए जा सकते हैं, फाइनली उनको नॉक जरूर किया जाएगा। बट बैक एंड साइड से टीम नंबर 6 फाइनली क्या है डायरेक्टली हम स्लैम इन करेंगे यहां पर बिकॉज अगर कोई टीम स्लैम इन करती है सामने रहने वाली टीम के ऊपर टीम नंबर 19 के ऊपर तो मोस्ट प्रोबेबली वो टीम इस फाइट को विन कर जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उस टीम के पास फर्स्ट एड्स मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, और बशीर साहब फुल नजरें जमाए हुए सामने की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, फ्यूरी प्लस बशीर एक ट्रू लव स्टोरी हमें हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रही, मे भी कुछ देर के अंदर यहाँ पर उनकी भी फाइट हमें होते हुए नजर आए पोर्टल। बट दूसरे की बात की जाए यहाँ पर जिस तरह ड्रीम बॉय निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह आगे चेज करते हुए नजर आ रहे हैं चीजें यहाँ पर प्लस होम ही इस टीम के लिए, बट दूर से रोटेशन यहाँ पे बनते नजर आ रही है। बाबा वाईटी, लेट्स सी के बाबा वाईटी की एडीएस के अंदर कौन कौन आता है। बाबा वाईटी भी अपने प्लेयर्स के साथ यहाँ पे वापस से असेंबल होते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज गुड क्योंकि असेंबल हो के अगर खेले अपने साथ में टीम मेट्स के साथ प्रॉपर कॉल्स के ऊपर खेले तो मेरे ख्याल से इन टीम का भी एक अच्छा नंबर बन सकता है ऑन द प्लेसमेंट साइड। बट राइट नाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस टीम बाबा वाईटी जो कि पूरी अच्छी गेम के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। नॉट योर गुज्जर वंस अगेन यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन के ऊपर, एक किल भी इनके हाथ में आने लगी, इनके हाथ में नहीं बल्कि इनके किसी टीम मेट के हाथ में आने वाली है, टोटली 3 किल्स में एक जो है नंबर प्लस हो चुका है। बट बाकी की बात कीजिए अभी तक 14 टीम्स ऑन ग्राउंड यहाँ पर रहने वाली मीरामार, जो कि वी नो दैट कि एक बहुत बड़ा मैप रहने वाला है पोर्टल। जी हाँ, और मेरा माँ का जहाँ पे मैच हम जो है वो काफी बड़े मैप की बात करते हैं वहीं पर कह रहा एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि आप अर्ली फाइट ज्यादा ना देख सकते, बट वंस अगेन I must repeat this thing कि आपको back to back यहाँ पे knockouts ही देखने को मिले, जब भी हम वापस आते हैं पुणे के fights जो start हो जाती है, इनफैक्ट हमें वहाँ से जाने नहीं पड़े जिस जगह हम लोग जब पहले देख रहे होते हैं। सो बैक टू टीम 819 जहाँ पे इनके पास अभी भी फर्स्ट एड मौजूद नहीं है, आपके पास बैंडेज तक मौजूद नहीं है, सो आप कैसे जब मैच को यहाँ पर जब मैच स्टे कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी यहाँ पर जब डिफिकल्टी इनफैक्ट नंबर 19 के लिए बन चुकी है, बदकिस्मत यही मस्त से प्लेस की यहाँ पर रह जाएगी क्योंकि प्लेस का इसमें कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ यही है कि अनफॉर्चुनेटली वो भी उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उनके ओपोनेंट ने भी आना था, उनकी जो थिंकिंग है उस समय पर क्रॉस मैच कर जाती है, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा उनके लिए कम से कम दो जरूर कन्फर्म कर लिया अपनी टीम के लिए, बट नॉट गुजर एज वेल फॉर टीम नंबर 6 वो भी फायर करते हुए दिखाया देंगे फायर इनकी तरह से भी फाइनली एक और कंफर्मेशन जरूर यहां पर रह जाएगी। दे यू गो दैट टीम जिसकी बात की है कि इनके पास यहां पे फर्स्ट एड्स नहीं रहने वाले, इनके एचपी बहुत लो है, फाइनल के प्रोग्रेस किया जाएगा लेकिन आगे बढ़ते हैं बशीर उनके पर भी फायर जाता है विद द वेक्टर बिकॉज़ इसका यहां पे फायर रेट बहुत ज्यादा रहता है, स्पीड काफी रहती है, प्लेयर यहां पे फायर करते हैं, फाइनली टीम एसई के बशीर में जरूर यहां पर नॉक होते हुए दिखा देंगे, नॉट अ गुड विद द फायर एज अ प्री फायर करेंगे लेकिन एचपी बहुत यहां पे लो रहने वाले हैं, फाइनली उनको भी नॉक कर दिया जाएगा, एंड रिवेंज डेविल बीटीसी विल बी दैट गेट जब यू गो 1-1 एसपी इंपैक्ट सारे प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले, फिर से फायर किया जाएगा, गुजर ये भी नॉक निकालेंगे, गुजर ऑब्वियसली यहाँ पर जरूर हमें यहाँ पर जब ऑन हाई दिखाई दे रहे होंगे वो कह रहे होंगे बैक टू बैक मैं बहुत अच्छा डैमेज कर रहा हूँ प्लेयर्स को, बहुत जल्दी से नॉकआउट कर रहा हूँ, लेकिन इंपैक्ट हमें जरूर इस चीज का पता है कि प्लेयर्स की एचपी ज्यादा नहीं रहने वाले, गुजर इज ऑन द एडवांटेज साइड 1v3 क्वाइट इजीली कर सकते हैं, फायर कर रहे हैं, प्री फायर कर रहे हैं, वन मोर बुलेट एंड देयर यू गो विद द फायर विद द कनेक्शन, नॉट योर गुजर इस प्लेयर को इस मैच से जैसे एलिमिनेट करेंगे, शायद इनका यहाँ पर जो है मे बी 1v4 हो जाता है बिकॉज 4 किसी इनके पास आए हैं, 1v3 तो कंफर्म है बट 1v4
ये exactly, कोई भी किल पोर्टल कोई भी किल नहीं रहने वाला था, सिर्फ एक किल इस टीम में था. वो आई थिंक दिस इज एक्चुअली 1v4, ए क्लच फ्रॉम द गुज्जर साइड, नॉट योर गुज्जर. यहाँ पर जरूर एक गाना और निकलना चाहिए, गुज्जर का मुकाबला 10 मनु किथे है नहीं. बट लेट्स टॉक अबाउट अदर टीम्स पोर्टल, जहां पर टीम 17 भी अभी तक रोटेशन करते हुए नजर आ रही है. एंड उसके बाद अगर बात की जाए बीजी, जो कि बिल्कुल एक अलग सेक्शन में रहने वाला है, जो कि काफी लो एचपी भी रहेंगे, जल्दी से अपने आपको हील अप कर लेंगे इससे पहले कि यहाँ पर जो है बाकी टीम मेट्स उनके ऊपर चार्ज करें, जो कि एक हल्का फुल्का डैमेज करके उनके ऊपर भी दावा हो गया ना, हमला बोल दिया उन्होंने, हमला फुल हैवी वाला हमला उन्होंने कर दिया. लेट्स सी कि इस हमले के ऊपर किसका नुकसान होगा, क्या यहाँ पर टीम 17 भी कुछ कैजुअलिटीज का शिकार होगी, कुछ स्टॉक्स उनके ऊपर भी जनरेट होते नजर आएंगे. बट नोट गुज्जर की अगर बात की जाए, जो गुज्जर अभी क्लच क्लच करके फारिग हुए, अभी उनको वो कहते ना हाथ का हाथ प्रॉपर बैठ चुका था मोबाइल के ऊपर, अब जो है कोई भी किसी को नहीं छोड़ना, वहां पर टीम 17 आके गुज्जर को टेक डाउन कर देगी. एंड गुज्जर थोड़ा सा यहाँ पर भी मे भी थोड़ा सा आगे बढ़ के अपने टीममेट्स की तरफ जाने बढ़े और उनको रिवाइव भी मिल जाए पोर्ट. हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट जरूर यहाँ पर रिवाइवल का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी, और प्लेयर्स नॉकआउट उनको जरूर हमें रेव मिलता हुआ दिखाई देगा. बट लेकिन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो क्या जो प्लेयर हमारे सामने रहने वाले दैट मिशीस, इनके अगर आखिरी मैच में बात करें तो मोमेंट्स कुछ जो यहाँ पर फ्लैश बैक से मुझे जरूर आ रहे हैं, शीज की तरफ से भी इनफैक्ट आखिरी मैच के अंदर एक अच्छा एफर्ट था, उन्होंने भी जरूर यहाँ पर जो स्मैच के अंदर जो अपना नाम जो था हमारी आंखों के सामने जरूर जो है वो ये लाते हुए दिखाई दिए और दर्ज करवाया अपने इस नाम को हमारे जो दिमाग के अंदर के बिल्कुल इनको भूलना नहीं है समहाउ किसी ना किस तरह से करके. हो सकता है फिर आपको अगले मैचेस के अंदर भी जरूर यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे. बट बैक टू द सर्कल गेम एज वेल, जोन में जरूर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा. सर्कल कहाँ पर शिफ्ट लेके जाता है, विल हैव टू वेट फॉर इट बिकॉज़ द सर्कल शिफ्ट द सेकंड सर्कल इनफैक्ट यहाँ पर रहने वाला जो कि हमें शिफ्ट लेके जाता हुआ दिखाई देगा. और वन बाय वन जैसे सर्कल हमारे शिफ्ट लेके जा रहे हैं, यकीनन टीम के लिए डिफिकल्टी में भी उतना ही ज्यादा इजाफा यहाँ पर रह जाएगा. लेकिन नंबर 13 वंस अगेन फिर से कि बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे जहाँ पर TX Hero ऑल द वे के पास व्हीकल मौजूद रहेगा. इस व्हीकल को ना सिर्फ यहाँ पर जब पहले जब रखा जाता है, इस व्हीकल को यहाँ पर जब स्टॉप करवाया जाता है, इंतजार किया जाता है उनको कहाँ पे जाना, बल्कि अब जब फाइनली इस व्हीकल के इस्तेमाल करके फर्दर जब रोटेशन भी की जाए. बिल्कुल पोर्टल, यहाँ पर आगे टीम 17 के बॉय आगे बढ़ते नजर आएंगे. हैको व्हाट, बट लेट्स सी कि यहाँ पर कहानी किस तरह बन के आगे सामने आती है, क्योंकि पिछले मैच के अंदर तो इनका कुछ भी सिस्टम यहाँ पे काम नहीं किया, बट इस मैच के अंदर जरूर वो थोड़ा आगे एग्रेस करते हुए नजर आएंगे, कुछ अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे. बट दूसरे पर बात कीजिए, यहाँ पर भी एक लैन का मतलब कि भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए सारे बॉयज, आपको इंस्टा के पेज के ऊपर सारी एक्टिविटीज देखने को भी मिल जाएंगी. टीम्स यहाँ पर किस तरह यूनिवर्सिटी के मतलब हॉल्स में बैठ के किस तरह खेलते हुए नजर आ रही है, एक दूसरे को शक्लें देख रहे हैं, जब मतलब एक दूसरे को मार के एग्जैक्टली लैंड फील आ रही होगी उनको, एक दूसरे को यहाँ पर वाजे करा रहे होंगे, जानी किधर है बताओ तो सही लोकेशन आ रहा मेरे पास. लोग फुल हैवी, क्योंकि कराची का माहौल होता है, एक लैंग्वेज है बड़ी मीठी सी, बड़े खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं, जानी बतला तो इधर है तू, एक खूबसूरत तरीके से वो बात करते. बिल्कुल, और देखना पड़ेगा कौन हमें यहाँ पर जब भाई बनता हुआ दिखाई देगा इस गेम का, और किसको जरूर यहाँ पर जब शिकार किया जाएगा. लेकिन फिलहाल इन द किल फील्ड हमें फाइट पर से चलते हुए दिखाई देगा. मृतक द फायर दिस टाइम अराउंड DK के बाबा वाइटी को फाइनली इस मैच से जब एलिमिनेट करेंगे. अगेन बाबा वाइटी आखिरी मैच में ये भी कैसा नाम दिखाई देते, अच्छा प्ले किया था. लेकिन इस मैच के अंदर वंस अगेन टॉकिंग अबाउट द विनर्स ऑफ द लास्ट गेम, टीम रैंडम टीम नंबर 10 फाइनली ये हमारे सामने जरूर आएगी, जहाँ पे तकरीबन आखिरी मैच के MVP शानजे जब काफी किल्स करते हुए दिखाई दी, वो जरूर यहाँ पे फिर से मौजूद रहने वाली है. टीम इनकी ऑलरेडी 4 किल्स निकाल चुकी है, 4 किल्स करके जाना, फिर से टॉप 12 के अंदर एटलीस्ट आ जाना, कम से कम 5 पॉइंट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 28 आपने पहले मैच के अंदर निकाले थे, 33 पॉइंट्स ऑलरेडी टीम निकाल चुके हैं, अभी भी इस मैच में इनसे हटके 39 पे मौजूद है. वी डोंट नो कि टीम इस मैच के बाद कहां पर एंड करेगी, कितने मजीद पॉइंट्स लेके जाएंगे, बट वुड लव टू सी देम मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स लेके जाए फर्दर. ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, जो मैरिट है, वो यही रहने वाला है कि जो बेहतर से बेहतरीन प्ले करेगा, बेहतरीन इंपैक्ट प्ले करेगा, वही हमें जब यहाँ पर अपने कैंपस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देना चाहिए. सो अगर टीम नंबर 10 ऑब्वियसली अच्छा प्ले करे तो देन दे विल हैव द राइट, और उनके पास यकीन ये राइट आ जाता है कि वो अपने कैंपस को जरूर रिप्रेजेंट करें, और आगे जाकर वो जो लैन इवेंट है, लैन का फाइनल इंपैक्ट, उस पर हम लोग जरूर यहाँ पर देखना चाहेंगे कि मजीद ऐसा ऐसा टीम और भी यहाँ पर सीरीज क्लियर करने के बाद अपने लिए जब जगह फाइनल के अंदर भी लिए जाए. लेकिन टीम नंबर 21 टॉकिंग अबाउट देम, बैक टू देम दो, इनके भी यहाँ पर 4 किल्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइट एक टीम की होती है जिसमें यहाँ पर टीम कुछ स्किल्स आई थिंक निकाल जाती है, बट 2 प्रेजेंट के नॉकआउट थे जिनको फाइनली अब जाके रेव कर दिया जाएगा. बिल्कुल पोर्टल, यहाँ पर आगे जिस तरह की कहानी और बढ़ते हुए नजर आ रही है, अमर यहाँ पर भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 7E के अमर जिस तरह काफी यहाँ पर लो HP भी हो चुके हैं. आगे कहानी जो रहने वाली है शानजे, जो पिछले मैच के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म करके बढ़ते हुए नजर आई, 11 टीमें अभी भी हमें देखने को मिल रही है, प्लस 11 टीम
विद 41 प्लेयर्स, क्लोज में टीम 7 टीम 16 यहाँ पे रहने वाली है। दो एक हाइट एडवांटेज यहाँ पर टीम 7 के पास रहता है पोर्टल, बट देखते हैं कहानी यहाँ पर कहाँ पर एंड होती है, किस तरह यहाँ पर भी कैजुअलिटीज का शिकार होती हैं टीम्स, क्योंकि यहाँ पर बात की एक भी नॉक जनरेट हो जाए टीम थोड़ी सी पैनिक हो कर जाती है, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो बाकी प्लेयर्स के ऊपर आ जाती है। उनको ये अंदाजा हो चुका होता है कि यार एक प्लेयर तुम्हारा डाउन हो चुका है, अब जो है उसको रिवाइव भी करना, बट यहाँ पर बात कीजिए एक एक प्लेयर का डाउन हो चुका है, दो प्लेयर आ चुके हैं, दूसरा प्लेयर को भी नॉक कर दिया जाएगा। रिजू दी यूट्यूबर बॉय विद दी मम्मी सेट, लेट्स सी कि वो यहाँ पे किसा परफॉर्म करते हैं, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा शिकार अपने आ जाएंगे एडीएस के अंदर आ जाएंगे टीम 7 जिसका काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए जाहिर। टीम 16 जिसका एक ही प्लेयर रह जाएगा, एक एक करके उन्होंने नॉक कर दिए टीम बाकी जो है उनको अंदाजा हो चुका है किधर रहने वाले, बट खूबसूरत प्ले एक और कैजुअलिटी देखने को मिली है टीम 7 के ऊपर, और टीम 7 को इतना ओपन नहीं आना चाहिए था फुल एग्जैक्टली ओपन में आना, यकीन आपको जो मैच से एलिमिनेट भी करके जाएगा, और इनफैक्ट अगर आप मेरा मान लें गलती कैसे तो आपको जरूर जो है वो उसमें पे बैक करना पड़ेगा, पे बैक किस शक्ल में आपको करना पड़ता है वो यही रह जाता है कि या तो आप मैच से एलिमिनेट होंगे या फिर आपके जो प्लेयर्स हैं वो इस कदर वहाँ पर जब वो एलिमिनेट हो जाएंगे आपकी टीम की, आपकी टीम जब मैच को शायद विन करने की स्टेज वहाँ पर स्टेज पर जब ना रह पाए, लेकिन इन दिस गेम सो फार टीम में 13 फिलहाल हमें अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, चारों प्लेयर्स इनके पास मौजूद रहने वाले हैं। टी एक्स जीरो फॉर इस टीम, गूगल्स ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, बाकी जो टीम जो भी साथ मौजूद है स्मोक किया जाता है अच्छा यहाँ पर जब इनफैक्ट स्मोक से इस्तेमाल है, जब इस तरह की चीजें जब आपको देखने को मिलती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से खास तौर पर देखिए आपको काफी अच्छी यहाँ पर जब वाइब आता है, अच्छी यहाँ पर जब फीलिंग आती है कि ये प्लेयर्स जरूर यहाँ पर जब गेम नॉलेज आपको जब रखते हुए दिखाई देते हैं। तीनों की यूटिलिटीज का इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है, हमने यहाँ पर जब सिर्फ गन गेम नहीं करनी है बल्कि हमने जो सारे के सारा गेम के जो बाकी यूटिलिटीज हैं थ्रोएबल्स हैं नीड्स मोलोटोव स्मोक स्टन ग्रेनेड इतने भी सिंगल थिंग है। इनफैक्ट बिकॉज स्टन ग्रेनेड का इसलिए मेरे जहन में आया बिकॉज वी हैव सीन दिस गेम, स्टन ग्रेनेड्स भी कुछ प्लेयर्स हमें इन मैचेस के अंदर पिक करते हुए दिखाई दे, सो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली माइंडसेट है प्लेयर्स का कि स्टन ग्रेनेड भी किसी स्टेज पे हमारे काम आ सकते हैं। पाकिस्तान मैटा में ऑब्वियसली कंपैरेटिव साइड पे ज्यादा वो नहीं चीज रहती, लेकिन स्टिल चाइनीज बाहर की साइड पे जब आप जाते हैं तो आपको जो ओवरऑल ग्लोबल स्टेज है वहां पे आपको इवन जो स्टन ग्रेनेड्स है वो भी प्लेयर्स बहुत बेहतरीन यूज करते हुए दिखाई दे। लुक एट द स्प्रे ऑफ शानदार के सामने पे गलती करते हैं यहां पर रोड क्रॉस करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां पे शानदार का स्प्रे था उनकी मेहनत थी उन्होंने पे क्लोन एसपी किया, बैक एंड साइड उनका टीममेट का फायर आता है विद सम बुलेट्स विद 1 2 बुलेट्स इंपैक्ट वो नॉक निकाल जाएंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही किल भी कंफर्म हुई, लेकिन शानदार ने रिटर्न के ऊपर फायर आते हैं काफी लोग की जगह मेक श्योर जो खुद के बचाएं अपने आप को इस मैच में फर्दर स्टेल्दी रखते हुए दिखाई दे, बट वंस अगेन शानदार फिर से फर्स्ट रेड लगाएंगे ऑल इनकी वैसे में डैमेज हो चुके हैं, लेकिन इतनी नडर हमें प्ले करते हुए दिखाई दे रही है कि पाक में स्पेस दे रही है, और यकीन यहाँ पे जब एडवांटेज कैरी किया जा रहा है यूनिवर्सिटी कि अपने यहाँ पे फेलोज के अगेंस्ट उनको जरूर जो मौका ना दिया जाए और हम ही एट दी एंड जो इस यहाँ पर स्टेज से अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे जाए, लेकिन 70 अहमर इनफैक्ट डीबी ऑलवेज एज वेल, और खासतौर पर मर्सी इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी चीज है टीम 10 के लिए मजीद, क्योंकि आखिरी मैच के अंदर ये तीन प्लेयर के साथ आए थे मैंने विनर चिकन निकाला और इस मैच के अंदर चार प्लेयर के साथ आए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग पिछले मैच से शायद हमें जो इस मैच में और ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिल जाए। बिल्कुल पोर्टल यहाँ पर डोमिनेशन ही देखने को चाहिए इस मैच के अंदर, बिकॉज सिर्फ तीन मैचेस हम स्टार्ट में ही बोल चुके हैं, सिर्फ तीन मैचेस आपको खेलने को मिलेंगे इस क्वालिफायर्स के अंदर, और तीन मैचेस के अंदर आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करना इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो आपको हर मैचेस एक पहला मैच तो आपको बहुत अग्रेसिव खेलना पड़ेगा ताकि आप चिकन डिनर विद एक गुड किल काउंट के साथ वो दाम पे लेके जाएं, बट बाकी आपको पैसिव खेलने पड़ेंगे। जिस तरह की बात की शानजी की, तो शानजी की टीम जो है काफी सोच समझ के परफॉर्म कर रही है इस मैच के अंदर, बिकॉज उन्होंने इस चीज को स्टडी कर लिया आई थिंक पोर्टल के, वो अभी तक इस मंच के ऊपर बैठे हुए इस मीरामा के मैप के ऊपर बैठे हुए, स्प्रे के बाद एमर को टेक डाउन किया जाएगा जोन से क्या I think so because उनकी HP शायद काफी low थी, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर जब play को knock किया exactly oh no low HP I think one low HP exactly सही मानो में one HP थे, but Chanze once again अपनी team के साथ आगे बढ़ेगी, एक player जो के यहाँ पर भी knock finish complete हो चुका, उसके बाद अगर तीन प्लेयर्स की अगर बात की है तीनों के तीनों शहजादे अभी तक खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक शहजादी प्लस एक दो शहजादे, बट लेट्स सी कि आगे किस तरह खेलते हुए नजर आते हैं पोर्टल। एमर आगे अपनी गाड़ी लेके जाएंगे सर्कल के अंदर, क्योंकि सर्कल काफी यहाँ पे टाइनी हो चुका है, बहुत छोटा सा हो चुका है, इस सर्कल के अंदर देखते हैं किस तरह टीम परफॉर्म करती है। शानजे जिस तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह वो डेडिकेटेड डेडिकेशन का जो लेवल होता है टीम का वो इस मैच के अंदर वाकई जीतने के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी टॉप 7 टीम्स प्लस 19 प्लेयर्स रिमेनिंग इस छोटे से सर्कल के अंदर रहने वाले हैं। चलो सात टीमें हो चुकी हैं, 18 प्लेयर्स आ चुके हैं, तो पोर्टल व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन कि इस सर्कल के अंदर किस तरह के कैंपस जो बॉयज रहने वाले हैं गर्ल्स रहने वाली हैं वो किस तरह खेलेंगे? बिल्कुल फिलहाल आई थिंक ये सर्कल और ये जो सारी सिचुएशन है
इनफैक्ट यहाँ पे शानजे के लिए जाते हुए दिखाई दे, टीम रैंडम के लिए ही सही तरह जाते हुए दिखाई दे रही, बिकॉज उनके एक एक भी इनफैक्ट सर्किल के अंदर पहुंचे थे, और जैसे वो सर्किल में सर्किल के अंदर जाते हैं जाते सारे अपना मार्क यहाँ पर जो वो लीव करेंगे करेंगे उस सर्किल के अंदर रहने वाले टीम्स के ऊपर, प्ले को नॉक किया जाता है, स्ट्रेट विकेट भी कंफर्म किया जाएगा, ना सर ये कि यहाँ पर एक किल निकाला जाएगा बल्कि फर्दर भी जरूर यहाँ पर शॉट दिए जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट विद द शॉट साइज वेल इंपैक्ट भी यहाँ पर जो सामने रहने वाली बगी को हमें डैमेज करते हुए दिखाई देंगे, शायद इसी बगी पे मे बी जो टीम नंबर 10 के प्लेयर्स आए थे आई थिंक अहमर, बिकॉज अहमर जो उसी साइड पे मौजूद है वाले थोड़ा सा बैकवर्ड साइड पे जाते हैं, लेकिन सिर्फ बगी उनके ही के पास मौजूद था जस्ट गेसिंग, लेकिन बिल्कुल सामने इनफैक्ट वर्सेस 7 एमए विद द स्पायर विद द शॉट्स सामने के यहां पर जो टीम जैसे रोटेट करने की कोशिश करती है उनको भी जरूर यहां पर जब चेज डाउन किया जाएगा, उनको हंडन किया जाएगा, विद द शॉट्स फाइनली पर से अहमद जरूर एक नॉकआउट निकालेंगे, माफिया को भी यहां पर चलती गाड़ी पे आई थिंक जब गाड़ी ब्लास्ट करके नॉकआउट कर दिया जाएगा, बैक टू बैक किल्स यहां पर जरूर जो टीम शानजे टीम रैंडम में जरूर लेके जाते हुए दिखाई दे, बट ना सिर्फ शानजे का टीम रैंडम वाला स्क्वाड में कल लेके जाता हुआ दिखाई दे, बल्कि एक और जो शानजे स्क्वाड आने वाला है इनफैक्ट वो भी जरूर तीन किल्स ऑलरेडी करके जाते हैं, बट अहमर वंस अगेन विद द डोमिनेशन विद द फायर अहमर एंड टीम इनफैक्ट रैंडम में मोस्ट से अहमर इस मैप में कुछ एक्स्ट्रा ही हमें इंपैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे, काफी सारे इन्होंने नॉकआउट्स निकाले, आई डोंट नो एग्जैक्टली इतने नॉकआउट्स निकाले, बट इस मैच के अंदर थिंक एक नाम रहा है इस टीम से, जैसे कि लास्ट मैच हमने पहले बोला कि हमें शानजे बहुत अच्छा प्ले किया करते हुए दिखाई दी तो आई थिंक इस मैच में सबसे ज्यादा अच्छा प्ले किया इस टीम रैंडम की तरफ से, that will be 7 Ahmer for sure, and there you go, jaise unka naam liya jata hai for the impact, panchon ke confirm karte hain, even on the side ninja wo bhi panch kills kar chuke hain, and actually the confirmation as well ke dusre end pe jo ek player unke panch nahi balki 7 kills rehne wale hain, 7-5 ek ka division yahan pe kills ka, bilkul portal yahan par aage kahani badi 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 aggressive ho chuki hai, look at this, this team are team 12 abhi tak man advantage inke paas rehne wala hai, but jabke ka baat ye team 10 ke boys bhi aage badhte nazar aa rahe hain, team shanze jo ki team 10 rehne wali hai Ahmer जो कि भी अभी स्काउट करते नजर आ रहे हैं, स्काउट करते करते यहाँ पे स्प्रे कर दिया गया, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे स्प्रे करना चाहिए था पोर्टल, क्योंकि यहाँ पे स्प्रे कर दिया, इन्होंने अपनी लोकेशन रिवील कर दी, Ahmer भी ये अंदाजा कर चुके होंगे कि भी प्लेयर किस एंगल के ऊपर किस साइड पे रहने वाले हैं, बट दूसरे पर निंजा की बात करें, निंजा भी आगे बढ़ते हुए जरूर दिखेंगे, और यहाँ पर बात करें नो डाउट इन तीनों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक एक करके अगर बात की स्प्लिट जिस तरह हुए सर्कल के एजेस के ऊपर जिस तरह रहने वाले शानजे बिल्कुल एक ऐसे शिफ्ट के ऊपर आ रही है जहां पर बिल्कुल सामने उनकी एक टीम रहेगी, और मतलब हर एंगल टीम 10 ने कवर किया है पोर्टल, जी हाँ बिल्कुल, और यकीनन यहाँ पर जो एंगल्स गेम है वो खास तौर पे ऑब्वियसली वंस अगेन मेरा बार इसमें आपको जो एंगल्स बहुत ज्यादा जो जनरेट करवाना पड़ता है अपने तौर पे आपको जो अपने इस मैच को प्ले करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप बिल्कुल जो है वो गलतियां यहाँ पर जो दोहराते रहेंगे इस मैच के अंदर तो देन अनफॉर्चुनेटली आप मेरा मार को जो नहीं विन कर सकेंगे, लेकिन राइट है राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम है Ahmer का स्क्वाड टीम ने रैंडम हमें जरूर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होते हुए दिखाई देगा, टीम के दो प्लेयर्स बैक टू बैक नॉकआउट किए जाएंगे ऑलरेडी, और इस मैच से जा चुके हैं आखिरी प्लेयर अगर निंजा भी इस मैच से जाते हैं, अगर उनको भी इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है तो देन पूरे का पूरा स्क्वाड ही टीम है यहाँ पर जो रैंडम का इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगा, इसी चीज से यहाँ पर टीम को बचाने के लिए टीम को यहाँ पर एलिमिनेशन से बचाने के लिए इनफैक्ट फॉरन से निंजा अपने टीम को रैंक देते हैं, वंस अगेन टीम में फिर से टू में जरूर स्टैंड करते हुए दिखाई देगा, ऑल्दो वो यहाँ पर जो नंबर टॉप था यहाँ पर जो एडवांटेज तो रह जाता है तीन प्लेयर्स का चार प्लेयर्स का वो तो अपने पास मौजूद है, लेकिन स्टिल जिस तरह से टीम प्ले करती रही आई थिंक टू मैन भी रहना टीम के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं टाइम टू कम दो, लेकिन 8 पॉइंट्स ऑलरेडी इनके पास प्लेसमेंट के आ चुके हैं, 13 गोल्स निकाले जा चुके हैं, 21 पॉइंट एटलीस्ट लेके जाएंगे खान साहब एट दिस पॉइंट टाइम, वंस अगेन वेदर स्पेस 7 के हमें नॉक करते हुए दिखा देंगे शानदार, उनको भी इनफैक्ट हमें रेफ दे दिया जाएगा, जस्ट एक्सपेक्टिंग कि शायद उनको रेफ नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली उनको भी रेफ दिया जाएगा, जैसे उनको रेफ दिया जाता है निंजा वेदर स्प्रे बिल्कुल काफी लो एसपी करेंगे, उनका आइडिया है कि फिर कहते हैं बहुत रहने वाली है, कोई यहाँ पर वो चांस नहीं कोई बच पाए, इनफैक्ट बैक साइड से शान से वो जरूर यहाँ पर हम इस मौके पर फायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर लो एसपी कर दिया था अपने ओपोनेंट को, चांसेस विद दैट लाइक 1 टू 2 बुलेट्स करेक्शन वो उस प्लेयर को फाइनली अपने नाम में जरूर जो करते हुए दिखाई दे, एग्जैक्टली शानजे जिस तरह उठती है उनको वापस से यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा, बट नॉक के बाद उनको वापस से रिवाइव मिल जाएगा, एक एक करके बाकी टीम्स भी अपने प्लेयर्स को मतलब कोशिश करें कि प्रॉपर इनको कवर दिया जाए, बट टोटल टॉप 3 टीम्स हमारे साथ रहने वाले टीम 14 टीम 10 टीम 10 जल्दी से अपने अपने प्लेयर को रिवाइव करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, काफी वापस से निंजा काफी लो एचपी रहने वाले, जो आपके यहां पर बात की जाए दिस प्लेयर BFM यहां पर नो डाउट दिस टैग इज एक्चुअली अग्रेसिव, यहां पर टीम भी काफी अच्छा खेलते हुए नजर आती रहती है, बट इसके बाद बात की जाए हमजा यहां पर रहने वाले, हमजा भी स्मोक के अंदर कुछ स्प्रेज करते ताकि यहां पर कोई भी अगर प्लेयर रहता है वहां पर तो उसको नॉक किया जाए, बट अगर टीम 12 की अगर बात किया टीम 12 थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी हील अप भी करती है, बूस्टर्स यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बात की जाए टीम 10 की तो टीम 10 अभी तक सर्वाइव कर रही है, इट्स मीन के टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं पोर्टल, टॉप 3 मीन्स अगर टॉप 3 भी नॉक भी हो जाते हैं फिनिश भी हो जाते हैं तो दीज गाइज हैव 13 किल्स पॉइंट प्लस 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स, तो इन्होंने ये मैच भी काफी अच्छा निकाल लिया, एग्जैक्टली इनके पास जो पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली वही चीज यहां पे मेंशन की जा रही है कि पॉइंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो नंबर गेम है इनफैक्ट उस साइड पे टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग में जाते हुए दिखाई दे रही है, और जिस तरह का इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्कोर करके रखे हुए हैं ऑल द वे
अभी भी फॉर श्योर ये चीज कंफर्म है कि यही टीम आपको जो है वो टॉप ऑफ द टेबल इनफैक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड यू गो वंस अगेन जैसे प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे फिर से फाइट स्टार्ट हो सकती है सर्किल काफी छोटा हो चुका है हमारा 8 सर्किल शिफ्ट लेके जाते हुए दिखाई देगा 14 मीटर इज द डिस्टेंस इसमें हमें शाम को कवर करने एंड देन इनको सर्कल में जाने का जो है मौका मिल जाएगा साफ फाइनल सर्कल में वो पहुंच जाएंगे लेकिन खान से खान साहब ऑन द साइड हमें हमजा को नॉक करते हुए दिखाई देंगे हाई स्कोर शॉट में मौजूद रहने वाले खान साहब वंस अगेन विद द रैंडम शॉट जो को नॉक करना चाह रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां पे वो स्प्रे करते हैं वहां पे अगेंस्ट भी फायर है बट बैक एंड साइड हारिस को सपोर्ट करेंगे फिर तो नॉकआउट किया जाएगा एंड इन द पीरियड फाइनली शाजमीनो को इस मैच से एलिमिनेट किया जाएगा बीएफएम शाजमीनो शी इज नो मोर इन द गेम नाउ लेकिन अभी भी इनफैक्ट तीन ही स्क्वाड मौजूद है वजह से एक्सपेक्टिंग है शायद थर्ड स्क्वाड इस मैच से जा चुका है लेकिन नो अभी भी एटीएक्स साइक अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इनका टीममेट हमजा जरूर इस मैच से जाते हुए दिखाई देंगे हारिस खान सा एंड नोट योर ऑब्वियसली वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे शांजे का स्क्वाड भी मौजूद रहेगा वो भी हम प्रोन गेम यहां पे करना चाह रहे लेकिन नो वे शांजे का स्क्वाड पहले गलती करता है वेट कर रहे थे फाइट होने दी जैसे देन जागन को मौका मिलता फाइनली अब जरूरी हमें दैट क्लोज इन फाइट फाइनली अनफॉर्चूनेट शांजे विद दैट फर्स्ट नॉकआउट उसके बाद खुद को जो नॉकआउट करवाते हुए दिखाई देंगे अभी विनिंदा जरूर यहां पे मौजूद रहने वाले 1v2 का करना पड़ेगा बैक एंड रैप जरूर यहां पे हो सकता है 1v3 भी हो सकता है लेकिन बैक टुवर्ड्स द एंड अनफॉर्चूनेटली ये स्क्वाड इस मैच में नंबर सेकंड फिनिश करेगा लेकिन स्टिल वो डोमिनेशन वो जो है स्कोर है उनके अभी काफी खतरनाक हमें रहता हुआ दिखाई दे रहा है फिर से एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग आई थिंक शायद इस मैच का इनके पास फिर से लाइक 28k 27 यहाँ पे पॉइंट्स अगेन आ चुके होंगे एग्जैक्टली पोर्टल इतने पॉइंट्स तो बनते हैं उनके क्योंकि नो डाउट अगर बात की जबकि पहले थर्ड में 10 पॉइंट गेन रहा था कि मे बी यहाँ पर टीम जो है 10 जो तीसरे नंबर पे हमें एलिमिनेट होते हुए दिखे बट यहाँ पर अगर बात कीजिए टीम शांजे जो टीम रैंडम रहने वाली है टीम रैंडम दो चिकन तो नहीं कर पाई एक चिकन उनके पास पिछले मैच का रहने वाला है इस मैच के अंदर सेकंड आ चुके हैं सेकंड आने का मतलब क्या रहने वाला है बोल दोस्तों के 12 पॉइंट्स टीम रैंडम जो है अपने नाम कर चुकी है और ये रैंडम टीम बल्कि भी फुल झंडे गाड़ते हुए इस मैदान के अंदर और दूसरे पर बात की टोटल पॉइंट्स इस मैच के अंदर टीम रैंडम के 26 रहने वाले हैं इट्स मीन के पिछले मैच के अंदर भी नंबर वन इस मैच के अंदर भी नंबर वन विदाउट एनी चिकन इधर ये टीम टेबल टॉप करती है दूसरा नंबर की बात की टीम आर नाउ विद विद 5 kills प्लस प्लेसमेंट पॉइंट 15 20 टोटल पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर रहेगी टीम 141 16 points UOL Oh my God, UOL यहाँ पर आ चुकी है UOL के बॉयज यहाँ पर आते हैं 12 पॉइंट्स के साथ उसके बाद हॉक की बात की जाए तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद R2X8 देन शाका ई स्पोर्ट्स जो कि पिछले मैच के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया था इस मैच के अंदर 7 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर रहेंगे टीम एक्स ई स्पोर्ट्स भी 7 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर रहेगी तो दोस्तों ये था जी आज का मतलब रैंक पॉइंट्स ठीक है रैंक पॉइंट्स काफी अच्छे टीम रैंडम ने निकाल लिए और मैं यही कहूंगा जितने अच्छा वो खेल रहे हैं जितना अच्छा वो परफॉर्म करें उसी तरह परफॉर्मेंस जो है हमारे डिजिट 4G की भी रहने वाली तो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके डिजिट 4G जो है उसको यहाँ पर जरूर चेकआउट करें टच एंड टाइप एक अच्छा इजी टू कैरी फोन रहने वाला है एक सोशलाइज्ड फोन रहने वाला है जहां पर आप अपनी टिकटॉक भी यूज कर सकते हैं आप अपना व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं आप फेसबुक यूज कर सकते हैं इवन काफी सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जबकि अगर बात की जाए प्ले स्टोर पे आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी एग्जैक्टली और ऑब्वियसली यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्टफोन फीचर्स रखने वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और कम प्राइस में आपको एक एवरेज यहाँ पर जो मिड रेंज हम लोग बोलते हैं मिड रेंज से तो कह रही लो हम लोग कहेंगे लो बजट में आपको इनफैक्टिव जो है फोन देखने को मिल जाएगा बिकॉज बहुत अगर मैं जो है वैसे भी यूजर्स की बात करूँ तो बहुत कम है कि आपको आजकल के टाइम में जो है वो एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिले जो कि टच एंड टाइप हो बिकॉज इस टाइम पे सारे ही आपको टच फोन देखने को मिल रहे होते हैं लेकिन नॉर्मल यूजर में जब फोन की बात करते हैं तो देन ऑब्वियसली आप रिलाई करते हैं इस तरह के स्मार्टफोन पे जहाँ पे आपको जो है बैटरी बैकअप ज्यादा मिल जाए और आपका जो काम है वो ज्यादा हो जाए सो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस Android 8 इसमें रहने वाले Android 8 Oreo आपको यहाँ पर जो यूजर्स के लिए मिल जाएगा ताकि आपका एक्सपीरियंस है वो बेहतर से बेहतरीन रहे MediaTek इसमें इसके में आपको जब चिपचेट लगाया जा चुका है ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वंस अगेन उसको जो हमें स्मूथ बनाया जाए आपको जो लैग है वो यहाँ पर देखने को ना मिल जाए 1GB रैम है एक छोटे से हमें स्मार्टफोन की ही और इवन एक टाइम था जब आपको टच फोन की जो 512 MB रैम देखने को मिल रही होती थी आपको 256 उनकी जो MB रैम देखने को मिलती थी लेकिन अब जो है कि यहाँ पर जो स्मार्टफोन के अंदर आपको 1GB रैम और 8GB रोम देखने को मिलती है सो ये गिव अवे भी इनफैक्ट आपको यहाँ पर जो इस गिव अवे के थ्रू भी आप इस फोन को विन कर सकते हैं अपनी यहाँ पर जो करेक्टर आईडी है वो आपने जरूर यहाँ पर जब चैट में लिख देनी है ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहां से भी आप स्ट्रीम को वॉच कर रहे हैं एग्जैक्टली और आपने स्ट्रीम के साथ बने रहना क्योंकि लास्ट मैच के अंदर मतलब जो हम यहाँ पर अख्तितम होगा कहानी जब अख्तितम पे पहुंचेगी वहां पर हम एक विनर को भी पिक करेंगे तो आपने स्ट्रीम पे जरूर बने रहना है जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रहने वाले हैं वहां पर आपने जिस तरह पोर्टल ने बताया #GameNow #PMCC अपनी करेक्टर आईडी के साथ स्पैम करते रहें
ताकि आप वो लकी विनर बन सके, जो मतलब कि हम भी चाहते हैं कि यार कि ये फोन हमारे किसी व्यूअर को, हमारे किसी चाहने वाले, हमारे किसी देखने वाले को जरूर मिले। पर इससे पहले जिस तरह की इसकी बैटरी रहने वाली है बहुत लॉन्ग, बट ब्रेक पे जाते हैं जो कि शॉर्ट होती है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं दोस्तों। नई जास डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के। इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जास सुपर 4G। नई जास डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के। इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जास सुपर 4G। नई जास डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के। इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जास सुपर 4G। नई जास डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शश के। इसकी टच एंड टाइप स्क्रीन से अब सब है पॉसिबल। अब बड़ी बैटरी, रैम और मेमोरी के साथ मिले फुल एंटरटेनमेंट। डिजिट 4G एनर्जी से करो लाइफ और एनर्जेटिक। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जास सुपर 4G। नई जास डिजिट 4G एनर्जी पर व्हाट्सएप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक से मिले स्मार्टफोन वाले शख्स।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फिर से आ चुके हैं लास्ट मैच को लेके पोर्टल एंड मी। बट गेम नाउ की बात कीजिए तो गेम नाउ ने पीएमसीसी के इस पूरे सफर को स्पॉन्सर किया है, और जबकि अगर बात कीजिए इस तरह की जो कंपनीज है, मैं कहता हूँ कि भी जो इस तरह का साथ देते रहे, जितनी भी हमारी ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, जितनी हमारी गेमिंग कम्युनिटी है, उसका यहाँ पर प्लस पॉइंट ही बन के सामने आता रहेगा। बट कुछ आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया प्लस पॉइंट, तो मेरे माइंड में बहुत चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा हिसाब में नंबर तो वैसे इतने नहीं आते। पर फिर भी अगर बात की जाए इस प्रॉपर इवेंट की, इस स्पेशली पीएमसीसी की, जो कि अभी तो फिलहाल यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी घूमते हुए नजर आ रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बट हर यूनिवर्सिटी से पोर्टल एक अच्छा खेलने वाला, एक अच्छी खेलने वाली टीम जो है वो आएगी सेमीफाइनल्स के अंदर। देन सेमीफाइनल्स के अंदर उन सारी अच्छी टीम्स के साथ एक वो कहते हैं गेट टूगेदर बन जाएगा, एक ऑफलाइन की टीम्स भी आ जाएंगी, ऑनलाइन की टीम भी आ जाएंगी, उन सबका एक दूसरे के साथ मुकाबला आएगा, मुकाबला होगा 32 टोटल टीम्स का, उसमें से 16 टीम्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि ग्रैंड फाइनल्स खेलने जाएंगी। बट कुछ ही देर के अंदर पोर्टल हमारा तीसरा मैच जो है ऑन स्क्रीन होगा। ऑब्वियसली कुछ ही देर के अंदर हमारे यहाँ पे मैच जो है थर्ड मैच जरूर स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, जहां पर हम जो ऑलरेडी हमारे दो मैचेस की बात कर चुके हैं। फर्स्ट मैच वाज इरेंगल, सेकंड वाज मिरामार, थर्ड ऑब्वियसली विल बी सैनोकर। थर्ड मैच का इंतजार रहेगा कुछ देर के अंदर, और देखना पड़ेगा कि अब जो वो टीम रैंडम से हटके हमें कौन जो अब फर्दर इस मैच अच्छा प्ले करते हुए दिखाई देता है। लेकिन सो फार जो लीड हमें दिखाई दे रही है वो जो लीड है सो कवर करना आसान नहीं रहने वाला, आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो स्कोर चाहिए, देन ही जाके आप उनको यहाँ पर जो वो बीट कर सकते। बिल्कुल, पर मैच स्टार्ट हो चुका है, प्लेन पाथ आपको एक स्ट्रेट स्ट्रेट देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा, और सीधा सीधा आपने भी सिर्फ चैट के अंदर यही लिखना है #GameNow #PMCC, और साथ ही साथ अपना करेक्टर ID डाल देना है, और इसी गेम के बाद आपको मतलब कि हम चैट के अंदर जो विनर होगा उसका कमेंट जो है पिन कर देंगे। जस्ट कीप स्पैमिंग, आप यहाँ पर चैट में हमारे साथ बने रहें, और नो डाउट हम जल्द से जल्द यहाँ पर भी अनाउंस कर देंगे जैसे ही मैच खत्म होगा, उसके बाद जल्द से जल्द हमने अनाउंस कर देना हु इज द विनर। लेट्स मूव टुवर्ड द गेम, और गेम के ऊपर जाते हुए हम देखेंगे सैनोक का ये मैच रहने वाला पोर्टल, और पोर्टल ये गेम तो काफी इंटरेस्टिंग बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही साइड के ऊपर पूरी टीम जाते नजर आ रही है। अगर हालांकि अगर बात की जाए मोस्टली टीम्स जो है वो यहाँ पर अल्फा वाली साइड को ज्यादा प्रेफर कर रही होती है, रोइंस वाले एरिया को प्रेफर कर रही होती है, बट यहाँ पर तो भाई फुल लोचा है। यहाँ पर चीजें जो है बहुत मुख्तलिफ हमें होते हुए दिखाई दे, जस्ट लाइक मिरामार के मैच के अंदर हमें एक स्पॉट पे जो टीमें ज्यादा जाते हुए दिखाई दी, इस मौके पर भी हमें यहाँ पर जो मैच मैप की एक ही तरफ टीम जाते हुए दिखाई दे रही है, दूसरी साइड पे तो खैर टीम बहुत ही कम रहने वाली है, तकरीबन आप कह सकते हैं ना होने के बराबर यहाँ पर जो वहाँ पर टीम रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले वंस अगेन हमारे सामने जो एक टीम आएगी दैट विल बी टीम नंबर 21, जिनके यहाँ पर चारों प्लेयर्स मौजूद है, देनिक्स इज आउट देयर, मैथिक्स भी साथ मौजूद है, इसके अलावा इनफैक्ट यहाँ पे नोमी आई थिंक विल बी दैट गाय जो के साथ रहने वाले हैं, मूविंग ऑनवर्ड दो HDs सोनी एक्स HDs वो भी हमें जरूर यहाँ पर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, अर्ली यहाँ पर जब लूट की जाएगी, इंसानों के अतबार से अगर बात की जाए हमारे फेजेस की, हमारे यहाँ पर जो प्रोसेस की, तो ऑब्वियसली उतरते साथ ही आपको यहाँ पर जो लूट जल्द से जल्द करना पड़ती है, आपके पास जो टाइम होता है वो बहुत कम रह जाता है कि आप जो अपने लिए लूट ज्यादा देर कर सकें और आप जब ज्यादा देर इंतजार कर सकें कि स्पॉट को, बिकॉज आप एक जगह पे होल्ड अगर करते रहेंगे तो देन एट द एंड होगा ये कि आप जोन का यहाँ पर जो बाहर जा सकते हैं, जोन से अगर आप बाहर जाते हैं तो रिमेंबर दैट सानोक में आपको जो जोन शिफ्ट है वो थोड़ा सा स्पीड से आता है, थोड़ा जल्दी आता है, और इस नाम में आपको जो डैमेज है वो ज्यादा मिलता है, और अनफॉर्चुनेटली आप जोन के बाहर जो इस मैच में एलिमिनेट होने के काफी ज्यादा इम्कान जो रख सकते हैं। सो आपको खुद को इन चीजों से बचाना है और मेक श्योर करना है कि आप टाइम से सैनोक इन चीजों को यहाँ पर फॉलो करें, इन चीजों के रूल्स के यहाँ पर जो मद्देनजर रखकर खुद को आगे जरूर लेकर जाए। लेकिन टीम नंबर 19 है, दे विल बी इन द फाइट, दो अर्लियर फाइट हमें ली जाएगी, नंबर 11 के प्लेयर्स अपने मजीद आगे जाते हुए उनकी तरफ से इनफैक्ट हमें फ्री फायर किया जा रहा है, टीम नंबर 9 विल बी दैट टीम दो, लेकिन नंबर 19 के 0 आगे बढ़ेगा, शॉट गन चलाई जाती है कि शॉट यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, एंड विद दैट वन शॉट प्लेयर को नॉक करेंगे, दूसरा शॉट भी चलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा ब्लड्स के प्रोवर द फायर विद द एकेम हमें उनको जरूर यहाँ पर जब नॉक करते हुए मिल जा रहा है। बिल्कुल, पोर्टल यहाँ पर आगे नॉक जनरेट करके हो गए, आगे और बढ़ना स्टार्ट करें तो अच्छी कहानी बनती नजर आएगी। बट बात यह है ऑल्दो यहाँ पर जो पिछले मैच के अंदर जो टीम काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही थी, इस मैच के अंदर आते ही अर्ली स्टेजेस के अंदर दो प्लेयर्स अपने गवा देती है, बट दूसरे की बात की जाए एक ओपनिंग यहाँ पर भी जनरेट कर दी है टीम 8 के ऊपर, बट दूसरे बात करिए तो टीम 19 का एक प्लेयर जो काफी लो HP रहने वाला, आई डोंट थिंक सो उसको इतना एग्रेस करना चाहिए इस टाइम के ऊपर, उसको थोड़ा सा सोच समझ के हील करके आगे वापस आना चाहिए। बिल्कुल, वो प्लेयर का मैं ट्रबल कह रहा हूँ कि HP अपनी काफी लो रहने वाली थी, टाइम बाय कह रहे थे, लेकिन एडियन फाइनली ये बात को जरूर नॉकआउट किया जाएगा क्लाउन की तरफ से, ना सिर्फ उनको नॉकआउट बल्कि जो किल है वो भी हमें टीम नंबर 8 जरूर यहाँ पर कंफर्म करते हुए दिखाई देगी। और इवन यूज द फीचर्स जिस तरह से बात की जाती है कि टाइम टू टाइम प्लेयर्स जो उनमें भी इस चीज की यहाँ पर अडेप्टेशन जो है वो देखने को मिलती है कि फीचर्स का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको
गेम के अपडेट्स का आइडिया, आप अवेयर हैं कि गेम में क्या क्या फीचर्स आ चुके हैं, फाइनली प्लेयर को पिक किया जाता है, अंदर लेके जाते हैं, फाइनली जिनको जरूर यहाँ पर एफ भी दिया जाएगा। लेकिन नंबर 19 अगर उनके हम नुकसान की बात करें तो टीम को इस कदर यहाँ पर नुकसान पहुंच जाता है कि टीम कब सिर्फ आखिरी प्लेयर स्टैंड करे, जो कि अपनी जान बचाने के लिए टीम के लिए इस मैच के अंदर अच्छे पॉइंट्स निकालने के लिए एक सेफ स्पॉट की तलाश में निकल चुका है। Exactly, this team 7 playing very well in the previous matches. पिछले matches के अंदर भी काफी अच्छा खेलते हुए नजर आए, especially जो clutch पिछले match के अंदर देखा गया था नॉर्थयॉर्क गुज्जर की तरफ से, और नॉर्थयॉर्क गुज्जर इस time बिल्कुल अकेले आ चुके हैं। Once again थोड़े motivated रहने वाले हैं कि वापस से मैं ये क्लच जो है निकालता हुआ नजर आऊं शायद, but look at this team 7 के ऊपर proper नजरें। But दूसरे पर बात की जाए, हैकर और वाट उसको यहाँ पर स्पॉट कर लिया जाएगा, उसको यहाँ पर नॉक करके अब टीम के ऊपर लाइबिलिटी डाल दी गई, और नाउ बाकी टीम मेंबर्स को ये पता चल गया कि पास में बंदे रहने वाले हैं, बट अगर पीछे बूट कैंप से कोई टीम आ जाती है जो कि नहीं रहने वाली, उनका सपोर्ट यहाँ पे बूट कैंप पे जरूर रहेगी, बट बूट कैंप से बाकी टीम देखने के साथ सपोर्ट करते जाती है। गुज्जर को अगर बात की जाए, गुज्जर काफी लो एचपी रहने वाले, फाइनली नॉक हो जाएंगे, बट बीक पीछे से जो हम बात कर रहे थे पोर्टल की, सपोर्ट काफी मैटर करती है, और यहाँ पर जो सपोर्ट मिली है गुज्जर को, गुज्जर यहाँ पर आराम सुकून से मे बी रिवाइव भी मिल जाए उनको, यहाँ पर टीम जो है वो स्मोक जनरेट करके थोड़ा सा स्मोक थ्रो करके डिप्लॉय करके उसके बाद जो है टीम आगे बढ़ के गुज्जर को भी रिवाइव कर ले, बट थोड़ा सा मुश्किल है, काफी सारा ओपन स्पेस रहती है सामने। जी हाँ, और ओपन स्पेस से जाना यकीनन यहाँ पे खतरे से खाली नहीं रह जाएगा, और आपको मेक श्योर करना है कि अपने टीममेट को भी एट द सेम टाइम ऑल द वे जरूर यहाँ पर एफ दें। सो लेट्स सी किस तरह से फिगर आउट किया जाता है इस चीज को, क्या नंबर टीम ने टीम नंबर 6 के प्लेयर इस चीज का फिगर आउट करने के बाद हमें जो है वो एहतियाती तदाबीर के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे, यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी बनकर जो है पुरखतर यहाँ पर हमें जो इसमें आज के अंदर प्ले करते हुए दिखा देंगे। बट फिलहाल कैच स्मोक किया जाता है, अच्छा इस्तेमाल वंस अगेन यूटिलिटीज का स्मोक करके अपने टीम को जरूर यहाँ पर रख दिया जाएगा, एंड वंस अगेन टीम पर से फोर मैन जरूर स्टैंड करते हुए दिखा देंगे। बट इन द टीपीडीएस के अंदर बाल को नॉक आउट किया जाएगा, एंड दे जरूर यहाँ पे बैक टू बैक एक ही प्ले के हमें साइड पर जाते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट 1v3 को प्लेयर यहाँ पे कर जाएगा, नॉट योर इनफैक्ट ऑल द वे 1v3 भी नहीं बल्कि 1v4 हमें जरूर यहाँ पर जो करते हुए दिखाई देंगे, जिनके पास 6 बैंडेजेस, 1 फर्स्ट एड, 2 पेन किलर्स और 1 एनर्जी ड्रिंक, उसके साथ साथ 1 ग्रेनेड भी रह जाएगा। इनकी एचपी काफी लो, जो कि इंडिकेट करती है चीज इन्होंने काफी अच्छी फाइट ली, काफी ज्यादा यहाँ पर जो एंड तक ये फाइट की, और एट दी एंड जान पर खेलकर इन्होंने, जहां इनके टीममेट्स ऑलरेडी 2 जा चुके थे, उनके बाद इस फाइट को टीम के लिए वन ना सिर्फ करवाया बल्कि अपनी टीम के प्लेयर को रेव भी दिया, और साथ ही साथ टीम के लिए जो स्मार्ट के अंदर अब जो फर्दर सफर है उसको भी यकीनी जरूर बनाया गया, और जो प्लेसमेंट पॉइंट का सिलसिला इंपैक्ट रहने वाले इन द टाइम टू कम उसको भी जरूर यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। बिकॉज अगर प्लेसमेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो इस मौके में अगर आप इस मैच से जाते हैं 12 से इंपैक्ट जितना भी आप जो है बाहर जाएंगे मैच से 13 ऑनवर्ड आपको कोई प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलता। एग्जैक्टली कोई प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलने वाला, हमजा जो है अभी तक लूट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके प्लेयर्स और बाकी जो है वो दो नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं। अब नाउ दिस बॉय नीड टू गेट सम सर्वाइवल पॉइंट जो कि उनके लिए काफी मैटर करेंगे, अदरवाइज वी नो दैट कि सिर्फ एक टीम ने ही क्वालिफाई करके सेमीफाइनल के स्टेज तक जाना है। बट दूसरे पर बात कीजिए, लुक एट दिस, फ्यूरी इज द ओनली पर्सन जो कि वहां से रोटेट करके सर्कल के अंदर आना चाह रहे हैं, जबकि सर्कल के अंदर जो टीम रहने वाले हैं स्पेशली केव के एरिया की बात कीजिए, केव के एरिया के पास भी मुझे एक टीम नजर आ रही है जो कि मे बी इन अभी आगे थोड़ी देर के अंदर फाइट करते नजर आएगा। ऊपर से एक बैक एंड से एक क्लस्टर आता हुआ नजर आ रहा है जहाँ पर R2X का बॉय जो है वो अच्छा गेट कीप कर सकता है, बिकॉज केव के एरिया की अगर बात कीजिए पोर्टल वो थोड़ा सा हिली रहने वाला, थोड़ा सा एक हाई रिज का एडवांटेज भी केव साइड पे रहता है। जी हाँ बिल्कुल, और जहाँ पे हम जो एडवांटेजेस की बात करें वहीं पर डिसएडवांटेजेस की भी बात करना पड़ेगी, और बात जब की जाती है जोन की तो इनफैक्ट जोन सैनोक में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इट जस्ट लुक्स लाइक कि शायद ये जो स्क्वाड जोन से बाहर वो फर्स्ट एड्स लेके जा रहे हैं, वो फर्स्ट एड्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी पे के पास 6 फर्स्ट एड आ चुके हैं, लेकिन ओके वी हैव गॉट अ फाइट वंस अगेन एज़ वेल, टीम नंबर 21 वहां पे मौजूद रहने वाले सामने इनके बिल्कुल सामने, एक पे जरूर रह जाएगा टीम के लिए शायद आखिरी पे रहने वाले, उनके उनकी तरफ से यहाँ पे जो है वो हील अप खुद को यहाँ पर जब हील अप किया जा रहा है, खुद को यहाँ पे बूस्ट अप किया जा रहा है, वो यहाँ पे पेन किलर्स लगा रहे हैं, बैंडेजेस लगा रहे हैं, लेकिन इसी टाइम के अंदर यहाँ पे मैसेज जरूर आगे बढ़ेंगे, फायर किया जा रहा है बट एरिया पे नॉक नहीं होगा, लेकिन इन रिटर्न जरूर कोशिश की पैराडॉक्स ने कि वो भी यहाँ पे नॉकर निकाले, बट अनफॉर्चुनेटली मिथिक्स का जो फायर है वो पहले लग जाता है, उनके बुलेट्स पहले कनेक्ट होते हैं विद देम 7-6-2, फाइनली मिथिक्स हमें जरूर अपने लिए किल मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बैक टू द फाइट, टीम 21-120 इनफैक्ट वंस अगेन वो भी हमें जरूर फाइट में आते हुए दिखाई देंगे, जहां पर पहले हमने फर्स्ट एड की बात की थी वहीं पर प्रो वैन जिनके पास 6 फर्स्ट एड थी, फाइनली 1 फर्स्ट एड यूज करने के बाद उनके पास 5 फर्स्ट एड मौजूद है, इवन पल को सामने एक स्क्वाड इनका इंतजार भी करें, उनके साथ फाइट हमें यहाँ पर जब उसकी कश्मकश में भी दिखाई दे। Exactly पोर्टल, बट दूसरी बात कीजिए 20 FPS, मरी उन्होंने यहाँ पर भी बड़े शौक से लिखा अपना नाम कि 20 FPS उनके आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि 20 FPS पे अभी कोई खेलता होगा, बट फिर भी अगर बात कीजिए यहाँ पर 20 FPS बॉय जो रहने वाला वो आगे बढ़ के जरूर कुछ नॉक जनरेट करता हुआ हमें जरूर दिखेगा। सोनिया की और सोनी की बात कीजिए, सोनिक्स की बात कीजिए या पर वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे सर्कल के अंदर, बट दूसरे पर बात कीजिए प्लेस ऑन के अंदर भी हमें प्लेस नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं,
जबकि अभी तक टीम ने ये डिसाइड नहीं किया कि किस तरफ मूव करना है। जबकि बात की है बूट कैंप में जो टीम रहने वाली थी, जो नोट जो गुज्जर बोए वो वहाँ पर रहते हैं, वो भी यहाँ पर। बात की दूसरे साइबर ग्रोजा की बात करूँ, ग्रोजा भी यहाँ पे नॉक से खाते नजर आ रहे हैं। वैनम को यहाँ पे नॉक कर दिया गया, जबकि 20 FPS नाउ दी ओनली पर्सन जो कि अपने प्लेस को यहाँ पर रिवाइव कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट पीछे से भी स्प्रेज आ रहे हैं, आउट ऑफ द सर्कल भी स्प्रे आते हुए नजर आ रहे हैं। एक शॉट एंड द स्टोरी इज एंड। बट ग्रोजा की बात कीजिए, ग्रोजा देखते हैं यहाँ पर अपने प्ले जो सामने टीम रहने वाली है उनके प्लेयर्स को रिवाइव करने देते हैं कि नहीं देते। बट एयर यू गो, एक टैप किया जाएगा। बट 20 FPS की बात कीजिए, अपने आप की हेल्थ कंप्लीट करके वहां से 9-11 हो जाएंगे पोर्ट। जी हाँ, लेकिन 20 FPS वंस अगेन जैसे पीछे जाने की कोशिश करते हैं, इस नाम में फिर से कभी शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। काफी हद तक यहाँ पर जब चांस था कि शायद ही यहाँ पर मैं जब मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे, लेकिन स्टिल somehow इनके रास्ते में मैं ये बोलूंगा कि इन्होंने पत्थर ही ढूंढा, शायद पत्थर ने इनको यहाँ पे तलाश कर लिया और पत्थर ही इनके सामने आ जाता है। फाइनली हमें जरूर अपनी जान बचाते हुए दिखाई देगी टीम 21 के लिए। नेक्स्ट वो जरूर कर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, फर्दर जरूर आगे जाया जाएगा। लेकिन सोनी वंस अगेन सोनी एच डी वो हमें जरूर यहाँ पे मौजूद है, सिंपल सोनी नहीं बल्कि सोनी एच डी इनफैक्ट वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वो हमें जरूर यहाँ पे प्रोन गेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेट किया की तरफ से भी और प्रोन गेम की जा रही है ताकि उस मैच में फर्दर भी अपने लिए जो है कुछ नॉकआउट्स निकाल सके। बट 20 FPS वंस अगेन जैसे आगे बढ़ेंगे फर्दर इनको भी जरूर हमें देखा जाता है कि वो शॉट्स कनेक्ट कर दी जाएंगे अपने कैच पे। फिर से काफी हमें यहाँ पर जब लो होते हुए दिखाई देगी, वंस अगेन ऑलमोस्ट 50% एचपी वापस आ चुके हैं, 50 से ज्यादा इनको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। 20 FPS विद द फायर एज वेल इन रिटर्न नॉट योर गुज्जर, ये जो स्क्वाड को चलने वाले हैं आई थिंक इनफैक्ट इनको हमें सेकंड किसी टीम की तरफ से जरूर हमें नॉकआउट किया जाता है। सो इस साइड पे भी हमें एक पार्ट चलते हुए दिखा देते हैं और इन द किल पे 20 FPS ने भी इनफैक्ट मुझे एक नॉकआउट था वो भी अपनी टीम के लिए जरूर वहां पर जब निकाल लेगा। 89 ने तामी टाइमिंग विद द फायर एज विद द शॉट्स एज वेल वीक नॉकआउट निकालते हैं। क्लाउन विद द शॉट्स एज वेल उस्मान बॉय को नॉकआउट करेंगे एंड बाबा वाइडी रिटर्न क्लाउन को भी मैं जरूर नॉकआउट करते हुए दिखाई देंगे। सो इन द कैलपिट काफी एक्शन इस पर कैमरा में चलता हुआ दिखाई दे, लेकिन राइट एयर हमारे बिल्कुल सामने लाइव एक्शन की अगर बात की जाए टीम नंबर 13 वो जरूर यहाँ पर टीम नंबर 6 के अगेंस्ट आई बिलीव हम यहाँ पर जब आते हुए दिखाई देंगे। बशीर टीम 7 SE जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं सभी इंतजार में, सभी यहाँ पर गलती का इंतजार करेंगे 13 जैसे कोई गलती करे देन उस पर कैपिटलाइज किया जाए। एग्जैक्टली पोर्टल, यहाँ पर प्रॉपर ये सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। जबकि टीम 13 की बात की जाए वो भी यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, 4 प्लेयर्स अभी तक अलाइव रहेंगे और एक्शन पैक गेम प्ले इनकी जानब से भी देखने को मिल सकती है। अभी तक पोर्टल एक चीज जो रहने वाली जो मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि 11 मिनट गुजर चुके हैं बट 14 टीम्स स्टिल सर्वाइविंग ऑन दिस मैप। अगर 14 टीमें सर्वाइव कर रही हैं, 39 प्लेयर्स, मतलब कि टीम्स अपने प्लेयर भी साथ साथ लूज कर रही हैं, बट जो एक सोलो सर्वाइवल थे वो अपनी अपनी टीम के लिए प्लेसमेंट के लिए अब खेलना स्टार्ट करेंगे। बट दूसरे पर बात कीजिए, दिस टीम टीम 13 जो कि अभी तक लूट करते हुए नजर आ रही है, 1 HP 1 शॉट एंड हे यू गो 20 FPS फाइनली एक अच्छा स्कोर करके प्लेयर नॉक करते हैं। क्या वो उनको इनको किल मिलेगी? I wish कि उनको ये किल मिलनी चाहिए। जी हाँ, 20 FPS ना सिर्फ पहला नॉक निकाला बल्कि बैक टू बैक इन्होंने मस्त से आई थिंक दूसरे तीसरे नॉक निकाला। दे यू गो वंस अगेन 20 FPS बिल्कुल हल्के में नहीं आ रहे, नाम 20 FPS जरूर है लेकिन काम बिल्कुल हमें यहाँ पर जो 90 FPS वाले दिखाई दे रहे हैं, फ्लेक्सेस दिखाते हैं, प्लेयर स्पॉट करते हैं, किल कंफर्म किया जाएगा एंड फाइनली इनका जो पहला किल है इनके नाम जरूर आ जाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड नंबर 19 वर्सेस नंबर 9 यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस ड्रॉन व्यू के किस तरह से आपको टीम्स यहाँ पर जो स्प्लिट में दिखाई दे रहे हैं, दोनों टीमें एक दूसरे से दूर यहाँ पर रहने वाले, ना सिर्फ ये दो टीमें रहने वाले हैं बल्कि इनके पास एक और टीम भी रह जाएगी। टीम नंबर 17 भी हमें जरूर जो है इस साइड पर देखने को मिल जाती है जहाँ पर इनका बिल्कुल पास में बिल्कुल यहाँ पर जोन के बाहर बैठ के डोंट नो क्या जरूरत यहाँ पर रहने वाले इस चीज की, लेकिन शेयान खैर स्टिल जोन के बाहर रिस्क ले रहे हैं। मे बी जैसे वो जोन के अंदर आने लगे उनको शायद वहां पर जो शॉट्स आते हैं दैट्स व्हाई उनको रुकना पड़ा, उनको वहां पर जो प्रॉन खेलना पड़ा और उसके बाद जाके ही उन्होंने बैंडेज लगाई बिकॉज एट टाइम्स जो प्लेयर को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है ड्यूरिंग द रोटेशंस एज वेल। लेकिन वंस अगेन चैन प्रोसेस सर्किल की तरफ जाएंगे, लेकिन दूसरी जाने टीम नंबर 17 दो वो जरूर फिर से आगे जाएंगे। लेकिन 20 FPS वंस अगेन नोट कमिंग स्लो, लेकिन एज अनफॉर्चुनेटली इनको बाज करवाया जाएगा, इनको स्मार्ट से एलिमिनेट किया जाएगा एंड ही इज विल बी एंड उनकी टीम इनफैक्ट पूरे का पूरा जो स्क्वाड है इस मैच में हमें मजीद इन एक्शन नहीं दिखाई दे पाएगी। बिल्कुल पोर्टल, और नो डाउट उसने यहाँ पर जितना प्ले किया 20 FPS ने और जो भी किल फीड के अंदर अपना उनका नाम पढ़ रहा होगा कि ये 20 FPS ने उनको नॉक कर दिया तो वो फिर यही उनके मुंह से निकल रहा होगा कि चीटिंग करता है तू भाई 20 FPS का बोल के आपने तो यहाँ पर भी फुल तबाही मचा दी। बट जी लड़के ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस उसकी तरफ से देखने को मिले, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें बहुत जल्द यहाँ से हमें छोड़ के इस मैच को जाता हुआ नजर आया। बट नो वरीज बॉयज, अभी भी मैच जारी रह रहा है, 12 टीमें 29 प्लेयर्स रिमेनिंग रहने वाले हैं, अभी सिर्फ दो ही टीमें जो है हमें छोड़ के इस मैच से गई हैं, 12 टीमें अभी भी इस मैच के अंदर रहने वाली हैं। इट्स मीन मुकाबला अभी भी टक्कर का निकलेगा क्योंकि सर्कल चौथा रहता है पोर्टल, चौथे के सर्कल के बाद हमें अंदाजा है कि इसके बाद कितनी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है स्पेशली सैनोक के अंदर कि टीम्स ने अब रोटेट करना है, कंपाउंड से निकल के बाहर आना है
एक अगर तो सर्कल एक ओपन सर्विस में निकलता है लाइक उसी हार्ड कवर के अंदर नहीं आता तो थोड़ा टीम्स के लिए थोड़ा सफरिंग रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, और यकीनन सर्कल से एक्सपेक्टेशंस यही है कि सर्कल फर्दर जैसे मुझे शिफ्ट यहाँ पे लेके जाता हुआ दिखाई देगा, टीम्स के लिए उस ज्यादा हर्डल्स ना क्रिएट हो, बिकॉज लॉबी अभी भी यहाँ पे 12 टीम्स की रहने वाली है, 29 प्लेयर्स स्टिल सर्वाइविंग। दो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे जो प्लेयर्स सारे के सारे वंस अगेन दीज आर यूएसए स्टूडेंट्स, और जब भी आपको इतने प्लेयर्स यहाँ पर जो स्टैंड करते हुए दिखाई देगी अच्छी चीज आपको यहाँ पर जो दिखाई देती है, आपको अच्छा यहाँ पर जो फीलिंग आती है यकीनन फाइनली प्लेयर्स आर जस्ट इम्प्रूविंग टाइम टू टाइम, वो जरूर यहाँ पर जब कोशिश कर रहे हैं आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आसानी के साथ उन्होंने मैचेस को यहाँ पर जब नहीं जाने देने बल्कि एक प्रॉपर एफर्ट के साथ जब मैचेस को प्ले कर रहे हैं और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन टीम नंबर 12 के प्लेयर नॉट इनफैक्ट योर वो जरूर यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, जैसे बैंडेज लगाई जाएंगे, कोई फर्स्ट एड बाकी नहीं देगी, कोई बैंडेज इनके पास नहीं रहने वाले, एक पेन किलर और दो एनर्जी ड्रिंक्स, दो ग्रेनेड भी इनके पास मौजूद है और इवन एक स्मोक भी इनके पास रहने वाला है। बट फिलहाल बैंडेज का खत्म हो जाना और साथ साथ पोस्टेड का ना होना ये यकीनन इनको यहाँ पर जो हमें बैकफुट पे पुश करवाते हुए चीज दिखाई दे रही है। इवन एट द सेम टाइम सर्कल भी आ चुका है, उनका डैमेज काफी रहने वाला है। दिस इज द फिफ्थ सर्कल आई बिलीव जो कि मैं यहाँ पर जब जाके जब बनता हुआ दिखाई देगा। सो लेट्स सी चाहे प्लेयर फर्दर यहाँ पर जोन में जा पाएगा, फिलहाल जोन के अंदर जरूर आ चुके हैं लेकिन अभी भी स्ट्रगल ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लिट्स की बात की, ब्लिट्स प्रो यहाँ पर रहने वाले हैं, आगे बढ़ने अपने प्लेयर की जाने ताकि उनको रिवाइव मिल सके। जबकि बात किया पीछे से एक जबरदस्त किस्म का चार्ज विद फोर मैन पावर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, पीछे से टीम 13 भी इनको यहाँ पर तंग कर सकती है। जबकि गेट कीप काफी अच्छा किया जा रहा है। नाउ शियान देखते हैं कि शियान यहाँ पर किस तरह रोटेट करके सर्कल के अंदर आते हैं। जबकि अगर बात की एक फुल हैवी सीन सोमरो की बात की, सोमरो भी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक ऐसे कंपाउंड को होल्ड करके बैठे हैं जहां पर सर्कल भी रहेगा। सर्कल कहां पे शिफ्ट लेने वाला है? इफ दिस सर्कल शिफ्ट इज अ मूविंग टुवर्ड द फाइनेंस साइड पोर्टल तो मैं कहूंगा टीम्स ओ माय गॉड, टीम को थोड़ा सोच समझ के मूव करना पड़ेगा, और क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर जिसने होल्ड किया होगा उनके पास एक अच्छा टीपीपी लेवल उनका काफी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि टीपीपी से जो उनका एक विजुअल आ रहा होगा, उनके पास जो विजन होगा हर आने वाली टीम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो देखना चाह रहा था कि हमारे पास टीम रैंडम का रहने वाली है, फाइनली जस्ट लुक एट देम अभी तक के लिए काफी सेफ रहने वाले हैं, काफी एच साइड पे मौजूद है निंजा, वो मैं जरूर यहाँ पर इसको मर रहा है साथ आई थिंक शायद जो है वो ऑकस रहने वाले और मे बी सेवन ई के जो दूसरे प्लेयर थे उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, बिकॉज शान से वो तो ऑलरेडी स्मार्ट जो एलिमिनेट कर दी जा चुकी है। लेकिन दूसरे एंड पर जो बाकी टीममेट्स हैं वो भी दो जरूर हमें सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। टॉप एट पर फिर से टीम आ चुकी है, पॉइंट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा यहाँ पर रहने वाले हैं, जितना ज्यादा खुद के लिए यहाँ पे पॉइंट्स हमें और इंक्रीज करवाते हुए दिखाई देंगे उतना ही ज्यादा टीम सेफ साइड पे जाएगी, उतने ज्यादा इनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि यस वही हमें यहाँ पर जब इस कैंपस फिनाले को विन करके सेमीफाइनल्स में जगह बनाते हुए दिखाई देंगे, अपने कैंपस को मजीद अच्छे तरीके में मजीद स्ट्रेटजी के साथ जरूर यहाँ पर जब रिप्रेजेंट भी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाकी सम अदर टीम्स नंबर 16 वो भी जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। शैडो आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन शैडो जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं वही उनके शॉट्स आते हैं, रिटर्न एंड फायर बशीर विद दैट फायर, इनफैक्ट जहां पे विक को नॉक करते हैं वहीं पर शेडो को भी नॉक आउट किया जाता है, और कस विद द फायर नॉट योर गुजर को भी जरूर नॉक आउट करते हुए दिखा देंगे। बाबा वाइट विद द फायर लिंक्स इस मैच एलिमिनेट करेंगे, उस्मान बॉय विद द फायर मिथिक इस मैच एलिमिनेट करेंगे, जोन के बारे में प्लेयर्स जरूर यहां पर नॉक आउट होते हुए दिखा देंगे, ना सिर्फ नॉक आउट होते बल्कि सुमरो विद द फायर इवन उनका जो किल है वो भी हमें जरूर हमें कंफर्म करते हुए दिखा देंगे। सो प्लेयर्स काफी मैच एलिमिनेट हो रहे हैं, इवन फर्दर और भी एलिमिनेशन आएंगे, हारिस को रिजो इस मैच से जरूर जब वो भी एलिमिनेट करते हैं और उसके फौरन ही बाद और का जिन्होंने गुज्जो को नॉकआउट किया था उनके पास भी किल जरूर आ जाएगा। लेकिन सर्कल को फर्दर शिफ्ट लेके जा चुके हैं, सर हमारा नेक्स्ट सर्कल भी 20 सेकंड के बाद हमें जरूर शिफ्ट लेके जाता हुआ दिखाई देगा। बट स्टिल 16 आर सर्वाइविंग टीम्स, काफी क्लोज में रहने वाली है, सर्कल हमारा छोटा है और 18 प्लेयर्स भी हमें जरूर यहाँ पर स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पोर्टल यहाँ पे काफी सोच समझ के अब प्लेयर्स को मूव करना पड़ेगा, 17 प्लेयर्स आ चुके हैं, एक और प्लेयर जो है हमें छोड़ के जा चुके हैं। जबकि मैं यहाँ पर जरूर देखना चाहता कि यहाँ पर नोट योर गुज्जर किस तरह परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर उनकी दो टीम के दो प्लेयर्स यहाँ पर जरूर रहने वाले हैं। जबकि गवाद की टीम 13 हैव द परफेक्ट मैन एडवांटेज, वो भी आगे बढ़ते नजर आ रही है। जब टीम में 6 के बॉयज की बात की जाए वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट रहने वाले हैं, एक प्लेयर को यहाँ पर भी पकड़ लिया गया, उनको यहाँ पर फौरी तौर पर ओमेगा के हाथों फिनिश कर दिया जाता है। जबकि बात की टीम 10 के 7 की निंजा, जिनके पिछले दोनों मैच के अंदर टीम रैंडम जो कि बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आई है, निंजा इज द ओनली पर्सन जो यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं पोर्टल, और नो डाउट यहाँ पर सबकी नजरें फिलहाल यही होंगी कि यार रैंडम की टीम को जल्द से जल्द नॉक फिनिश कंप्लीट किया जाए ताकि उनके पास अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट भी ना आए। बट अगर तो ये बॉय थोड़ा सा आगे फर्दर खेल लेता है, थोड़ा सा सर्वाइव कर लेता है,
तो मेरे ख्याल से एक अच्छे डिसेंट प्लेसमेंट पॉइंट लेके आगे जाएगा जी। और कम से कम अभी भी खैर इनके पास चार प्लेसमेंट पॉइंट रहने वाले हैं, बट दे यू गो फाइनली जैसे एक और टीम इसमें आज सेलिब्रेट होगी, टीम लंदन के पास छह पॉइंट्स कम से कम रहने वाले हैं। फोर नजर सामने आएगा, प्लेयर को नॉक आउट किया जाएगा, दे यू गो कंफर्मेशन हो सकती है, खेल निकाल सकते हैं, कंफर्मेशन के लिए जाएंगे एंड प्लेयर के ऊपर फाइनली शॉट दिए जाएंगे। कंफर्मेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होने वाले थे लेकिन जहां पे कंफर्मेशन के लिए जा रहे थे वहीं पर खुद भी जा सकते थे, बट फर्स्ट रेड यहां पे लगाई जाएगी फाइनली। बाकी जो पेरेंट को जरूर यहां पर जो आगे बढ़ना पड़ेगा, शायद आगे बढ़े उनके पास एक खेल आते लेकिन अभी प्लेयर आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन दूसरे टीम फोर्टन की शान से वो जरूर यहाँ पर रहने वाले, शान से आगे बढ़ेंगे। निंजा के ऊपर से फायर किया जाता है उनके अगेंस्ट, ताकि उनको नॉक किया जाए, लेकिन फ्री फायर में वो यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन दूसरे एंड पे इनफैक्ट एक और प्लेयर रहने वाले इस टीम के, वो भी हमें यहाँ पर जो गर्ल ही देखने को मिल जाएंगी, शाजमीना और शांजे। लेट्स सी इनका डुओ यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है अगेंस्ट निंजा, तो 1v2 का निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इनके पास मौजूद है 6 फर्स्ट इनके पास यहाँ पर रहने वाले सर्कल, मजीद हमें क्लोजअप करता हुआ दिखाया, लेकिन इनको फर्दर सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा, 40 मीटर प्लस इज द डिस्टेंस जो कि यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। लेकिन निंजा 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 ही जस्ट वेटिंग फॉर इट लेकिन ब्यूटी ऑफ रेजो ऑन द अदर साइड अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करते हुए आई बिलीव दोनों की दोनों किल्स ही उनके नाम जाएंगे। यस कंफर्मेशन, दोनों किल्स वो करेंगे एंड फॉर द फर्स्ट निंजा को और पॉइंट्स मिल जाएंगे। चार से सफर का काउंटर स्टार्ट हुआ, अब जागो के पास कम से कम प्लेसमेंट के 8 पॉइंट्स हो चुके हैं। एग्जैक्टली एंड नाउ ही इज डूइंग सम हील बैटल करते हुए जरूर ना देखने को मिल रहे हैं, एंड फाइनली ही जस्ट लूज द हील बैटल। बट उसके बाद बात की है जो टीम ए सर्कल के अंदर आने लगे, टॉप 3 नो डाउट एक अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट 8 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे पोर्टल। बट सर्कल की बात की जाए, पायनान एक ऐसी जगह रहने वाली जहां पर काफी एक अच्छा कंपाउंड का कवर हर प्लेयर को मिलता हुआ नजर आएगा, हर टीम को नजर आता हुआ मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि टीम्स के पास जिस टीम के मैन एडवांटेज रहने वाला है वो उसको प्रॉपर यूज करते हुए नजर आए, कम्युनिकेशन जो अपनी कम्युनिकेशन है उसको यहाँ पे प्लस करते हुए जरूर नजर आए। क्योंकि अगर तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जीरो हो जाती है, एक ही कंपाउंड में अगर सब रहेंगे, एक ग्रेनेड पूरी कहानी खत्म कर सकते, एक मोली आपको काफी मुश्किलात में डाल सकती। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जॉन विक वंस अगेन करके हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम जो स्टन ग्रेनेड्स की इनफैक्ट बात करें, स्विवल्स की बात करें, वहीं पर आपको डीबीएस की भी बात करना पड़ेगा। शॉटगन ऑब्वियसली क्लोज में अगर आप आते हैं, आप गलती करते हैं, ये शॉट यहाँ पे प्लेयर मिस अगर नहीं करता, देन डेफिनेटली यू विल गेट नॉक आउट। लेकिन जॉन विक इनफैक्ट जहां पे हम इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्लेयर्स को पनिश करते हैं, वहां पे इनको पनिश कर दिया जाएगा, खुद ही नॉक एंड फिनिश हमें होते हुए दिखा देंगे, मैच से बाहर हो चुके हैं, बाकी 3 टीमें बच जाएंगी। स्टिल 11-7 में प्लेयर्स रहने वाले हैं। इवन यहां पर जो टीम इस मैच में जो टीम स्टैंड उनके पास हमें जरूर से किल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल्दो टीम नंबर 17 की अगर बात की जाए, दे हैव गॉट लाइक 11 किल्स, जो कम से कम ये कह जरूर यहाँ पर जो इस मैच में 27 पॉइंट्स लेके जाने वाले, सो टुवर्ड्स एंड कहा जा सकता है कि अच्छा कॉम्पिटिशन जरूर यहाँ पर टीम रनों को फिर भी मिल जाएगा। लेकिन ओके ये सफर यहीं पर नहीं रहने वाला, बल्कि फर्दर और भी कल्स निकाले जाएंगे, मेकिंग श्योर कि टीम जो हमें जरूर यहाँ पर जब 11 तक की लिमिटेड ना दिखाई दे, बल्कि अब उनके पास 13 कल्स जरूर यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन रिजो इज गोना बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और सर्कल के अंदर कोशिश की जाएगी 1v4 को जरूर यहाँ पर करना पड़ेगा, सामने टीम इट नॉकआउट उनको जरूर यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन रिजो विद द फायर सिचुएशन में इनके लिए डिसएडवांटेज रहने वाले, फर्दर प्लेयर आगे बढ़ेगा, फायर की जगह नॉकआउट निकाला जाएगा, फायर से प्लेयर उभर रहने वाले, बट बाबा वाइटी के जाने के बाद फर्दर रिजो घुसेंगे पे को यहाँ पर शॉट नॉकआउट निकालने की कोशिश करेंगे, वो ये नॉक नहीं का यहाँ पर जो नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ फाइनली एक डिफरेंट टीम हम इस मैच का जो विनर कंटेनर है वो जरूर लेके जाते हुए दिखाई दे जाएगी। एग्जैक्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस जिस टीम ने यहाँ पर चिकन डिनर आखिरी चिकन डिनर अपने नाम कर लिए पोर्टल, एंड चैंपियंस हमारे सामने रहेंगे द टीम रैंडम। फाइनली इस मौके पे फुल हैवी चौका मार चुके हैं, और यहाँ पर नो डाउट है आपकी यूनिवर्सिटी से जो टीम अच्छा परफॉर्म करते हुए इन फाइनल्स आपको इन दी सेमीफाइनल्स आपको देखने को मिलने वाली वो रहेगी टीम रैंडम, एंड कांग्रेचुलेशंस, और जरूर अप्रिशिएट करें इस टीम को जो भी यूनिवर्सिटी के बाकी टीम्स रहने वाली थी। नो डाउट एक टफ कंपटीशन हमें आपकी यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, और आपने आप करना क्या, आपने फुल सपोर्ट अपनी टीम रैंडम के लिए रखनी है, उनको जरूर मोटिवेट करना ताकि वो जो है सेमीफाइनल्स के अंदर भी इसी तरह परफॉर्म करते हुए नजर आए। टोटल पॉइंट्स की बात की 66 पॉइंट्स रहते हैं, 31 एलिमिनेशन पॉइंट्स और प्लेसमेंट पॉइंट्स 35, मतलब की बात की जाए एक बैलेंस गेम हमें पोर्टल देखने को मिली, स्पेशली एलिमिनेशंस की अगर बात की जाए एलिमिनेशंस भी अपने साथ लेके एक अच्छी गए, बट प्लेसमेंट मतलब 35 प्लेसमेंट पॉइंट, 31 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 66 इन टोटल, अमेजिंग गेम प्ले पोर्टल, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? खैर मैं तो यही बोलूंगा कि मैच के जहाँ पर टीम के जो पॉइंट्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल, वहीं पर जो आखिरी मैच था अच्छा मैच गया, जो हमारी टीम यहाँ पर जो विनिंग टीम रह जाती है उनके लिए भी, बिकॉज एटलीस्ट उन्होंने आई थिंक 28-30 पॉइंट जस्ट लाइक टीम रैंडम उन्होंने भी इस मैच में निकाले। लेकिन कहा जा सकता है कि वो जो नंबर ऑफ मैचेस का ज्यादा एडवांटेज था, वो जो पहले से ही अपना जो पॉइंट्स ज्यादा रखना था वो टीम रैंडम को जरूर हेल्प आउट करता है, और उसकी वजह से जो बाकी टीम पीछे ज्यादा रह चुकी थी वो उनको यहाँ पर चेज करने में नाकाम रह जाती है। बट स्टिल
जी जी गुड टू सी दोगे कंपटीशन फाइनली हमें जरूर इस कैंपस के अंदर जरूर जो है हमें देखने को मिला और विश द अदर टीम्स बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट टाइम दो लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारे सामने जो मैच रैंकिंग है ओवरऑल वो जरूर आ जाएगी जहां पर टीम रैंकिंग ओवरऑल आते हुए नंबर 20 नंबर 1 पे टीम रैंडम जरूर यहां पर रह जाते हैं जिनके पास 66 पॉइंट्स रहेंगे नंबर 2 पे टीम 89 विद 47 पॉइंट्स जो इनके पास अभी एक सेकंडरी रैंडम के पास भी एक सेकंडरी रहे नंबर 3rd पे टीम 141 विद 38 पॉइंट्स नंबर 4 पे टीम शाका विद 31 पॉइंट्स एंड देन नंबर 5 पे टीम अननोन विद 30 पॉइंट्स ईएमटी विद 24 ई टीम एक्स ई स्पोर्ट्स विद 20 एंड देन आर2एक्स विद 15 पॉइंट्स ओनली 66 से 47 19 पॉइंट्स का डिफरेंस इज दैट स्कोर जो कि टीम रैंडम यहां पर जो फर्क से हमें जो इस कैंपस की विनर बनते हुए दिखाई दे रही है एग्जैक्टली और यहाँ पर जो हमारी चैट का फिलहाल इंतजार था जो कि वो ये चाह रहे थे कि यार कि हमने जरूर डिजिट 4G के अंदर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पर जितने भी बॉयज ने स्पैम किए कुछ ही देर के अंदर हमें अंदाजा हो जाएगा कौन सा प्लेयर जो है विन होगा उसका मतलब पिन हो जाएगा पोर्टल राइट चैट के अंदर आपका जो भी विनर होगा उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा आपने सिंपली करना क्या है जो भी पिन हुआ जो नाम है उसने करना क्या है उसने गेम नाउ के पेज पे जाके डीएम कर देना और जरूर वो जो आईडी उन्होंने करेक्टर आईडी लिखी हुई है उस पर भी रब्ता किया जाएगा ताकि वो एक मेक श्योर किया जाए कि वो एक लिजिट बंदे को फोन मिल चुका है क्या कहेंगे पोर्टल जी हाँ बिल्कुल और सेफ एंड सिक्योर तरीके से जरूरी यहाँ पर प्रोसेस है जो कैरी आउट किया जाएगा ताकि जो डिजर्विंग है ताकि जो यहाँ पर सब जो इक्वालिटी है वो जो एक प्रॉपर प्रोसेस है उसको फॉलो आउट किया जाए देन उसके बाद ही डिजर्विंग पर्सन हमें जो ये डिजिट 4G E2 Pro जरूर जो अपने नाम करता हुआ दिखाई दे अपने लेके जाता हुआ दिखाई दे बिकॉज एक्शन तो चलता रहेगा कैंपस फिनाले हमारा ऑलरेडी चल रहा है सिलसिला हम लोग जो काफी दिनों से कवर अप कर रहे हैं और ऑलरेडी हमें जो काफी डिफरेंट कैंपसेस विनर्स भी देखने को मिल रहे हैं लेकिन फिलहाल ये जो आज दिन का सफर था इस कैंपस का वो ऑब्वियसली इख्तिताम को पहुंच चुका है बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं और मैं जाते जाते जरूर यहाँ पे विनर को भी अनाउंस करता जाऊंगा सहर बट जस्ट वांट टू से इट अगेन 87 ये आईडी रहने वाली है काइंडली आपने करना क्या है आपने जल्दी से जाके गेम नाउ के ऊपर डीएम कर देना है अपनी जितनी भी आईडी की इन्फॉर्मेशन है वो आपने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है दूसरा आपकी आईडी जो आपने करेक्टर आईडी लिखी हुई है उसके ऊपर भी आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी वहाँ पर भी आपसे बात हो जाएगी गोन के नाम से ही मतलब आपको वहाँ पर ऐड किया जाएगा बट अगर बात की जाए पोर्टल यहाँ पर हमारा आज का दिन का अख्तिताम होता है और हम बढ़ेंगे अगले मैच की जानिब बल्कि अगला मैच जो कल के दिन के अंदर खेला जाएगा वहां पर बढ़ेंगे उसके लिए हमें डिजिट 4 जैसी लंबी बैटरी चाहिए इतना लंबा ब्रेक हमें चाहिए उस ब्रेक के बाद हम आपसे कल मिलेंगे अल्लाह हाफिज़